बागवानी की जा सकती है, कैसे कृषि की जा सकती है, ये सभी चीजों का उसमें सामंजस्य है। और छोटी छोटी कारीगरी, बांस आधारित कारीगरी, घास आधारित कारीगरी, मतलब जो लोकल रिसोर्सेज हैं उस पर आधारित सारी कारीगरी की बात उन्होंने की। अगर उस से करीब आज 100 साल हो चुके, एक महामारी 18 में आई थी स्पेनिश फ्लू की, और आज 2020 में दूसरी महामारी कोविड की आई है। लेकिन सोचने का प्रश्न यह है कि बदला क्या है। गांधी के समय के भारत और विश्व और आज के समय के भारत और विश्व में अंतर क्या आया है। जब 1917 में महामारी स्पेनिश फ्लू की आई थी जिसने पूरी दुनिया को जकड़ा था, तब भी परिस्थितियां कुछ इसी तरह की थी जैसी परिस्थितियां आज हैं, लेकिन आज थोड़ी उससे ज्यादा भयावह हो गई हैं। जब हमने देखा कि कामगार सड़कों पर चलकर अपने गांव को लौट रहे हैं, तो क्या हमने जो शिक्षा दी थी उस शिक्षा में कोई कमी रह गई? वो शिक्षा क्यों ऐसी हो गई, या हमारी नीतियां कुछ गलत हो गई? ये दोनों विषय विचारणीय होंगे। हमने गांधी के उस तालीम को त्याग दिया है। वो तालीम ये कहती है कारीगरी, और जब तक कारीगरी नहीं होगी तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता, गांव समृद्ध नहीं हो सकता। जब हम अपने वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में जाते हैं, तब भी हम पाते हैं कि हमारे गांव में हर तरह के कुल थे, और उन कुलों में किसी न किसी विद्या के थ्रू, और वो विद्या पढ़ाई कोई जरूरी नहीं थी कि पढ़ाई ही जाती थी, वो विद्या संस्कारगत भी आती थी, और उन विद्याओं के माध्यम से एक पूरा सिस्टम हमारा कारीगरी का चलता रहा। अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जिन्होंने ब्रिटिश शासन को एक रिपोर्ट भेजी थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ का कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग जिस तरह से चलता है, जब तक ये चलता रहेगा भारत का, तब तक ब्रिटिश शासन की स्थापना नहीं हो सकती। मैकालेकुस ने तो बाद में कहा कि शिक्षा पद्धति में बदलाव करो, लेकिन उन्होंने पहले कहा कि यहाँ दो सिस्टम बड़े अच्छे हैं, एक यहाँ की ग्राम आधारित उद्योगों की संरचना, दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ के पंचायत राज की संरचना, ये दोनों अगर जितने मजबूत रहेंगे उतनी मुश्किल होगी ब्रिटिश शासन को स्थापित करने में। और ब्रिटिश शासन ने सबसे पहला काम इन्हीं दोनों पर अटैक किया और इसी दोनों को ध्वस्त किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति में इंटर कर गए जो शिक्षा पद्धति नौकर तो जरूर पैदा करती है लेकिन कारीगर नहीं पैदा कर पाती। वह नौकरी तो जरूर देती है लेकिन स्वरोजगार नहीं कर पाते, और जब वो नहीं कर पाती तो पूरा जनमानस नौकरी पाने के लिए अपने गांवों से शहरों की ओर पलायन करता है, और जब शहर में कोविड जैसी महामारी आती है तो फिर वह अपनी कारीगरी को खोजने की चिंता में अपने गांव की तरफ जाने का मन बनाता है, और यह चक्र एक विचित्र सा चक्र हमने तैयार कर लिया। आज अगर मैं गांव की बात करूं, अगर आप सबको बुरा ना लगे तो मान के चले कि गांव का मतलब है बेकार, बूढ़ा, बेवा, बच्चा और बीमार, यही पांच लोग आपको गांव में मिलेंगे। यही हमारी समृद्धता है पूरे गांव की, क्योंकि गांव इन्हीं पांच लोगों को छोड़कर बाकी सब तो पलायन करके शहरों में चले आते हैं। लेकिन गांव को जब तक हम और आप उस एंगल से नहीं सोचेंगे कि गांव की कारीगरी गांव में ही समृद्ध हो, और कारीगरी जो एक दूसरे पर आधारित है, वो कारीगरी जब एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेगी और उससे जो समृद्धि निकल कर आएगी, वही लाखों गांव समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। जरूरत मुझको लगता है आज सभी प्रबुद्ध वक्तागण इस बात से सहमत होंगे कि
हमारी जरूरत यह है कि हम अपने गांवों को, अपने कारीगरों को समृद्ध बनाएं। देश की आजादी के 70 साल हो गए हैं, हमने इंजीनियरिंग के बहुत सारे कॉलेज बनाए, मेडिकल के बहुत सारे कॉलेज बनाए, हर तरह के संस्थान हमने बनाए, लेकिन कारीगरी का एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी हम नहीं बना पाए, कारीगरी के हमारे कोई मंत्रालय नहीं बन पाए। एक सबसे बड़ा वर्ग जिसने देश की समृद्धि को आजादी से पहले से और आज भी, अपने अगर पुराने धरोहरों को देखते हैं और कहते हैं कि अद्भुत भारत, द वंडर दैट वाज इंडिया, तो हमारी कारीगरी ही दिखाते हैं ना, और क्या दिखाते हैं? चाहे वो हड़प्पा की कारीगरी दिखाते हो, या हम आकर वैदिक काल की कारीगरी दिखाते हो, या फिर मेडिवल पीरियड की कारीगरी दिखाते हो, ये तो हमारा, हम अपनी समृद्धता इससे दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए ना तो कोई महाविद्यालय, न विश्वविद्यालय, और न कारीगरी को सपोर्ट करने वाले किसी मंत्रालय की स्थापना करते। तो अगर मेरी दृष्टि में समृद्ध भारत का निर्माण किया जाना है, और वह निर्माण गाँव के इसी कारीगरों से निकलना है, इसी कारीगरों को, इसी शिल्पियों को देश को समृद्ध बनाना है, तो मेरी दृष्टि में कारीगरी के लिए भी हमें सोचना चाहिए, कारीगरी के उत्थान के लिए हमें सोचना चाहिए, पाठ्यक्रमों में कारीगरी के पाठ्यक्रम शामिल होने चाहिए। और जैसे जैसे कारीगरी मजबूत होगी, उसका आयाम मजबूत होगा, यह निश्चित है कि भारत समृद्ध होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो सभी पैनलिस्ट हैं, जो सभी अपने अपने क्षेत्रों में इस क्षेत्र के सबसे निपुण लोग हैं, उनकी बातों से सारे पार्टिसिपेंट्स लाभान्वित होंगे, आज की वार्ता से कुछ सारगर्भित बातें निकल कर आएंगी, और उस वार्ता का परिणाम यह होगा कि शायद इस दिशा में और समृद्ध भारत को बनाने में और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के तरफ हम अगला कदम बढ़ा पाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दिया है। राजदीप, स्टार्ट करें। सर राजीव सर, गुलशन जी, आप पंकज चौबे जी सुन रहे हैं आप मुझे? राजदीप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं सर, फोन पर जी सर जी सर आवाज आ रही है सर। हाँ तो मैं अब श्री विभा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, आप लंबे समय तक कारीगरों के साथ जुड़ी रही, आज भी मगन संग्रहालय का सारा कार्यभार देखती हैं, कपाट जैसी संस्था में भी आप मेंबर रही हैं, और आपने कारीगरी को बहुत नजदीक से जिया है, आज भी आपका सारा काम कारीगर और कारीगरों के बीच का है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। श्रीमती विभा गुप्ता जी। आप स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं? देख रहा हूं जी। धन्यवाद, ये बहुत ही अहम विषय आपने चुना है, और जैसे हम जानते हैं कि भारत में अभी तक कारीगर कितने हैं इसका भी कोई अनुमान नहीं है, सेंसस में कारीगरों का कोई अभी तक विश्लेषण नहीं किया गया है कि किन लोगों को कारीगर माना जाए और उस परिधि में कौन लोग आएंगे। ये सबसे दुख की बात है कि एक देश जो कारीगर प्रधान कहलाया जाता है उसके सेंसस में कारीगर कहीं नहीं है, और जब तक हम ये पता नहीं लगाते कि हमारे देश में कारीगर का अर्थ क्या है, कितने कारीगर हैं, किस स्थिति में है, उनकी अभी तक कोई अभी की रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट बड़े पैमाने पर पूरे भारत की नहीं बनी है। तो सबसे पहली आवश्यकता है
कि हम पहले पता तो लगाएं कि हमारे कारीगर कौन है और क्या काम करते हैं और क्या उसका उनका उत्पादन है और इस देश में उनका क्या योगदान है। जो फिगर्स आते हैं वो कहते हैं कि 70 लाख कारीगर हैं, एक फिगर आता है जो कहता है कि 2 करोड़ से ज्यादा कारीगर हैं। तो ये कौन कारीगर है? और 70 लाख तो बहुत छोटी संख्या मानी जा सकती है इतने बड़े करोड़ करोड़ लोगों के देश में। दूसरी बात ये कही जाती है कि कारीगरों की संख्या तेजी से घट रही है, पिछले 30 सालों में 30% कारीगर कम हो गए। हैंडलूम और खादी के क्षेत्र में करीब 20 लाख कारीगरों के हाथ से काम चला गया है और 10 लाख खादी कारीगरों के हाथ से काम चला गया है। तो इसलिए फिर कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो हम तय करें कि कारीगर कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं और उनकी आज की स्थिति क्या है। हमारे देश में कारीगरों को खत्म करने का की बहुत बड़ी मुहिम बहुत सालों से ब्रिटिश राज्य के दौरान और उसके बाद में ही चलती रही। आपको मैं 2 घटना बताऊंगी कि बनारस में 1818 में नाव पर टैक्स लगाया गया और लोगों ने पुलों का इस्तेमाल किया, तब 4000 नावें बंद हो गई, करीब 8000 परिवार बेरोजगार हो गए। इस तरह हम लगातार कारीगरों के छोटे और बड़े उद्योगों पर टैक्स लगाते रहे। हमारा ही मानना था कि कारीगर केवल कपड़े और उपयोगी चीज बनाने वाला होता है, पर ये देश कारीगर की संस्कृति पे बात करता था, हृदय पे बात करता था, एक अद्वैत की बात करता था और हमेशा ये कहता था कि ये हम सब प्रकृति से जुड़े जो लोग हैं उसका कारीगर एक हमारा एक सिंबल है, एक संकेत है। गांव-गांव में 365 कारीगर हुआ करते थे, अलग अलग कलाएं होती थी और ये माना जाता था कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए, पशुओं के साथ जुड़े हुए ये कारीगर देश की संस्कृति, देश के विश्वास, देश के संपदा को बढ़ाते हैं। अभी हम केवल उनको एक मार्केटिंग सोर्स मान रहे हैं, एक तरह का एक उद्योग मान रहे हैं, जबकि उद्योग नहीं थे। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि यदि कोई ऐसी संस्कृति, ऐसा विज्ञान, ऐसी तकनीक जो देश की कला को, देश की संपदा को बहुत बड़ी तेजी से बनाए, जैसे मान लीजिए घरों की बात कर लीजिए, हमारे देश में बहुत विविध तरह की वस्तुओं से घर बनते थे जिसे हम वर्नाकुलर आर्ट कहते हैं और इन सब घरों के बनाने की शैली ऐसी थी कि घर एक तरह से समृद्धि लाए, स्वास्थ्य लाए, लोगों से हमें जोड़े, समाज से का हमें भाग बनाए। पर अभी के घर पूरी तरह से अलग हैं, पर हमारे पास कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वर्नाकुलर आर्किटेक्चर की नहीं है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी कारीगरों के लिए नहीं है, उसी तरह हमारे देश में विविध वाद्य थे क्योंकि हम लोगों ने संगीत को, ध्वनि को अपने जीवन की एक संपदा माना था। हर तरह के अलग अलग तरह के वाद्य हमें बनाए जाते थे, अलग अलग जानवरों की चमड़े से बहुत तरह के वाद्य बनते थे। ये पूरी की पूरी प्रथाएं, पूरा का पूरा जो कारीगरी थी खत्म हो गई। कारीगर के साथ ये हमारा जुड़ाव था कि जो भी हम वस्तु इस्तेमाल करते हैं वो हमारी और परमात्मा के बीच, आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी तो कम करे और हमें पहले से समृद्ध बनाए। समृद्ध मतलब हमारे सारे इंद्रियों को समृद्ध बनाए, हमारे जीवन को समृद्ध बनाए और हमारे हमें संस्कृत हमारी हमें समाज और प्रकृति से जोड़े। अब ये हो गया है कि हम मार्केटिंग की तरफ से देखेंगे तो ये मानेंगे कि विश्व में जितना हैंडीक्राफ्ट बिकता है उसमें हमारा देश केवल 2% बेचता है, चीन 30% बेचता है। चीन के कारीगरों के पास में, एक बांस के कारीगर के पास में करीब 13 मशीनें हैं, हमारे कारीगर के पास केवल एक हत्था। उसी तरह हमारे देश की जो इंजीनियरिंग थी वो बहुत अलग तरह की थी, जिसमें हर आदमी के पास में कलाकृति बनाने की संपदा थी। तो हम वर्कशॉप पे विश्वास नहीं करते थे, हमारा एक बक्सा ही वर्कशॉप होता था, लगा तो ये अच्छा जानकार कारीगर केरल जाके वहां के बच्चों को तैयार करके बड़ी बड़ी जहाज बना सकता था, बड़ी बड़ी लकड़ी के घर बना सकता था, बड़ी बड़ी लकड़ी की चीजें बनाता था। तो वो अपनी विद्या को, अपनी तकनीक को, अपने विज्ञान को फैलाता था। अब इस तरह के कारीगरों को कोई जगह नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री ने इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है कि गांव के सारे छोटे छोटे उद्योग
मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले सालों में करीब 5 लाख घानियां बंद हुई, तेल की घानियां। तेल के घानी के कारीगर केवल उद्योग में केवल खाद्य नहीं बनाते थे, उनकी कारीगरी में कई चीजें शामिल थी। लकड़ी के सारे कारीगर बन गए हमारे यहाँ, बैलगाड़ी से लेकर खाटों से लेकर अपने अलग अलग विविध चीजों के लिए करीब 15-20-40 तरह की लकड़ियां होती थी, ये सारे वन खत्म हो गए। हम लोगों ने कारीगरी के साथ में वनों को खत्म कर दिया। बिना पानी के कोई कारीगरी नहीं चलती, बहता पानी बहुत जरूरी है, हमने नदियों को रोक दिया, पानी वहां खत्म हो गए। ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों से काम होता था, ऊर्जा के सारे साधन हम उनसे छीन लिए गए। तो हमें इसके पहले कि हमें तय करें कि हमें किस तरह का भारत बनाना है, उसकी संस्कृति क्या हो, क्या वो समाज प्रधान होगी कि नहीं, हमारे देश में कोई भूखा सोए ये हमें मंजूर ना हो। इतना बड़ा देश यदि 70 लाख कारीगरों को नहीं संभाल सकता है या 2 करोड़ कारीगरों को नहीं संभाल सकता, इसका मतलब कि हमने अपने हृदय की सामाजिकता खो दी है, हमने अपने अंदर की समझ और उसके साथ सारे खेल, सारे संगीत, सारी भाषाएं और उससे चलने वाले सारे मुहावरे, जीवन शैली सब अस्त व्यस्त कर दी होगी। जाने के पहले आपको तब बताना चाहूंगी, मैं हमेशा बिंदी लगाती और मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि इस देश में बिंदी की एक बहुत गहरी संस्कृति है, एक योग शास्त्र है जो बिंदी से जुड़ा था। पता नहीं कैसे इतनी समृद्ध और सुशील महिलाओं ने प्लास्टिक की बिंदियां लगाना शुरू किया, और पिछले कुछ दिनों मैंने देखा कि एक मंदिर के पुजारी ने भी इसी तरह की बिंदी लगा लिया प्लास्टिक। तो उसके साथ ही इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा संस्कृति का धरोहर हमारे हाथ से छूट जाता है। हमारा देश घास, बांस, गोबर की संप्रदाय लेकर चला है, जिसमें हमने गोबर को भी लक्ष्मी माना है और सुनार ने झाड़ू को लक्ष्मी माना है, पर हमने कभी घास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गांधी जी जब पहली बार वर्धा आए तो उन्होंने यहाँ पे ग्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, यहाँ पे गौलव गाय जो यहाँ की लोकल ब्रीड है उसका एक अध्ययन केंद्र और एक रिसर्च सेंटर बनाया। अहिंसक चमड़े पर बहुत जबरदस्त यहाँ पे काम हुआ कि जो जानवर खुद मर जाते हैं उनके चमड़े से किस तरह से नई नई चीजें बनाई जाए और हर तरह के जानवरों से चमड़ा कैसे बनाया जाए और चमड़ा बना के उसकी विविध चीजें कैसे बनाई जाए, ये पहला पहला स्थान है। नमस्ते। वर्धा है उन्होंने धीरे चलने वाले खाद्य पदार्थ स्लो फूड पर बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर गांधी जी ने बनाया, नीरा पर यहाँ पर काम हुआ। तो ऐसे विविध चीजों पर काम करने वाले गांधी जी जिन्होंने ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वर्धा में बनाया, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को उसके साथ जोड़ा और इस देश को एक नए विज्ञान, तकनीक और कारीगरी का पूरा एक दर्शन कराया, वो कैसे ये सारी किताबें बंद हो गई, कैसे ये सारे एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स बंद हो गए, कैसे हम सब लोग जो उसकी उसके धरोहर के जिम्मेदार थे, कैसे हम भूल गए कि हम इतनी बड़ी संपदा को लेकर साथ चल रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम बाहर न देखें, अंदर झांकें और हम सब में बहुत बड़ी ताकत है कि हम लोगों का मन बदलें, हम उनकी तैयारी करें, क्योंकि हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है गणपति के बाद में, जब सारे बच्चे जाके घरों घरों के छत के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और कवेलू तोड़ते हैं। उसका ये मतलब था कि कवेलू आज आप तोड़ेंगे तो कुम्हार को काम मिलेगा। तो अपने दान से या अपने को नुकसान पहुंचा के दूसरों को हम कैसे मदद करें, उसकी हम बात करते हैं। विसर्जन की बात करते हैं कि फिर से हम बनाएंगे, फिर विसर्जित करेंगे, जो जहां से आया है फिर से उसमें मिल जाए, उसकी बात करते हैं। तो ऐसी संस्कृति वाले कैसे कारीगरों को भूल जाते हैं, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी, इंडस्ट्रियल हाउसेस, बिजनेस हाउसेस अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, पर हमारी बहुत गहरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके कारण जो हमारे प्रकृति में, हमारी संस्कृति में जो शांति थी, जो 10 उंगलियों से काम करने की संप्रदा थी, श्रम प्रतिष्ठा थी और सौंदर्य दर्शन था, ये धीरे धीरे भी खत्म हो गया। तो गांधी की जो बात है हिंसा की, असत्य की, कृत्रिमता की, ये वापस लौट कर आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
आपको सुनना हर समय अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, कुछ सारगर्भित बातें होती हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री लक्ष्मीदास जी को। आप खादी कमीशन के सबसे युवा अध्यक्ष होने का आपको गौरव प्राप्त है। आप वर्तमान में हरिजन सेवक संघ, जिसे गांधी जी ने खुद बनाया था, उसके उपाध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हैं। नेचुरोपैथी संघ के भी आप अध्यक्ष हैं और साथ में आप हमारी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की कार्यकारिणी एवं जीवी के भी सदस्य हैं। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूँ तो आप हमारी प्रोग्राम कमेटी के भी सदस्य हैं, जो इस तरह के कार्यक्रम करने की इजाजत हमें देती है। तो ऐसे कार्यक्रमों की इजाजत आपने दी है, हमारा सौभाग्य है कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े। आपका एक लंबा अनुभव है ग्रामोद्योग के साथ और आप इन छोटे छोटे प्रयोगों को अपने गांव हिमाचल प्रदेश में भी किया करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी श्रोता आपको सुनकर एक नई दृष्टि पाएंगे। आदरणीय श्री लक्ष्मीदास जी। सर आपका माइक ऑफ है सर अभी। हेलो जी सर। जी सर अभी आवाज आ रही है? यस सर यस सर यस सर। आदरणीय श्री रामलाल जी, गांधी स्मृति दर्शन समिति के डायरेक्टर श्री दीपांकर जी, मेरे अच्छे मित्र सहयोगी श्री बसंत जी, विभा जी, मुझे बताया गया कि नरेंद्र मेहरोत्रा जी भी इसमें हैं, तो मेहरोत्रा जी और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं उनको संबोधित करते हुए, इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग लाभान्वित होने वाले हैं उन सबको मैं सादर नमस्कार करते हुए, मुझे इस बात की खुशी है कि गांधी स्मृति दर्शन समिति ने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हम लोग गांव की बात कर पाएंगे, कारीगर की बात कर पाएंगे, उद्यमी की बात कर पाएंगे, उद्यमिता विकास की बात कर पाएंगे। देश में कारीगर और समृद्ध गांव, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के, एक के बिना दूसरे का कोई वजूद नहीं। इस तरह के देश की इसका ढांचा है और जिस तरह से इस देश का वर्षों से सदियों से विकास हुआ है, जो भूमिका इस देश के विकास में गांव के कारीगर की, गांव के उद्योगी की रही है, उसका अगर सांगोपांग अध्ययन किया जाए तो उसको आधार मान करके देश की ड्रामा आधारित अर्थशास्त्र के लिए नीति बनाना तो बहुत मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो नीतिगत सपोर्ट इस ग्राम समृद्धि के लिए चाहिए उसका अभी तक अभाव है। कई बार चर्चाएं होती हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने एक आइडिया दिया पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू द रूरल एरिया, बहुत अच्छा विषय था, बहुत अच्छी सोच थी, गांव में कुछ अर्बन फैसिलिटी चली जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उस समय भी सोचा करता था, आज भी सोचता हूँ कि क्या कोई आदमी गांव में इसलिए रहना चाहेगा कि उसको वहाँ अर्बन फैसिलिटीज मिल जाती है? क्या कोई इसलिए गाँव में रहना चाहेगा कि उसको अच्छी शिक्षा मिल जाती है? तो मुझे अंदर से एक उत्तर आता था, प्रश्न भी आता था कि गांव में आदमी इसलिए नहीं रहेगा कि उसको कुछ अर्बन फैसिलिटीज चाहिए, बल्कि गांव में इसलिए रहना चाहेगा कि उसको गांव में उसके रोजगार की सुविधा बनती है, वो चार पैसे कमा सकता है।
मैं स्वयं एक गांव का रहने वाला हूँ, गांव के नौजवान की मानसिकता जो मैंने समझी है, जो मैंने जानी है, अगर किसी गांव के नौजवान को ये ऑफर दी जाए कि शहर में जाओगे तो 20,000 रुपये महीना मिलेगा, गांव में रहोगे तो 10,000 रुपये महीना ही मिल पाएगा, तो गांव का नौजवान गांव में रहना चाहेगा, क्योंकि उसको गांव छोड़ने का कोई आनंद नहीं है। और कोई बेरोजगार नौजवान शहर में इसलिए नहीं आता है कि शहर में मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा हेल्थ की व्यवस्था होगी, शुरू में वो रोजगार की तलाश में शहरों में आता है। तो यदि उसके रोजगार की व्यवस्था गांव में कर दी जाए तो गांव खाली नहीं होगी, दीपांकर जी ने जो कहा वो स्थिति निर्माण नहीं होगी। प्रश्न ये है कि गांव में ये रोजगार सृजन कैसे हो, गांव में ये रोजगार की परिस्थितियां निर्माण कैसे हो। विनोबा जी ने कई बार ये बात कही, हालांकि मुझे शायद फैमिली प्लानिंग वाले लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे जब मैं ये कहूँगा, पर विनोबा जी ने कहा कि भगवान ने जब इंसान पैदा किया तो खाने के लिए एक मुंह दिया, कमाने के लिए दो हाथ दिए, दो हाथों को अगर काम मिल जाता है तो एक मुंह को खिलाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। सवाल ये है कि इन दो हाथों को गांव में काम कैसे मिले, इसको अगर दो हाथों को काम गांव में मिलता है तो गांव भी समृद्ध होगा, गांव का नौजवान भी गांव में रहेगा। आज जो परिस्थिति निर्माण हो रही है कि गांव इसलिए खाली हो रहा है और बेकार हो रहा है क्योंकि गांव का नौजवान शहरों की ओर भाग रहा है, शहर इसलिए परेशान है क्योंकि शहरों पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए। बहुत सारी योजनाएं बनती हैं, बनी हैं, आज भी एक बड़ी योजना इस देश में चल रही है कौशल विकास की, बहुत अच्छी योजना है। इसी जमाने में उद्यमिता विकास की बात होती थी, इसी जमाने में स्वरोजगार सृजन की बात होती थी, वगैरह वगैरह अनेक नामों से, अलग अलग नामों से ये विषय चलता है। मैंने गांव में रह करके अनुभव किया, मैं कल्पना करता हूँ कि मान लीजिए एक विद्यार्थी ने एमकॉम किया, नौजवान एमकॉम करने के बाद उसके मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं, उसने देखा गांव में टमाटर है, समय पर आता है तो बहुत पैसा नहीं मिलता है, किसान परेशान होता है, उसको लगा कि मैं टमाटो सास का एक यूनिट लगाऊंगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको ट्रेनिंग भी मिल गई, बैंक ने उसको फाइनेंस भी दे दिया, लेकिन जब वो मार्केट में खड़ा हुआ तो क्या वो टोमेटो कैचअप के साथ मुकाबला कर पाएगा? यही स्थिति सारे एंटरप्रेन्योर्स की है या वुड बी एंटरप्रेन्योर्स की है कि अगर वो किसी ढंग से मार्केट में खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा नहीं हो पाना। अब प्रश्न आता है तो कैसे खड़ा हो, तो क्या उसके उत्पाद के लिए कोई रिजर्वेशन की जाए? हमने देखा कि रिजर्वेशन से भी कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि उसका दुरुपयोग हुआ, तो क्या किया जाए? ये जो एमकॉम लड़का गांव में उद्योग लगाना चाहता है, गांव में अपना धंधा करना चाहता है, उद्यम करना चाहता है, वो कैसे गांव में खड़ा रह सके, उसकी व्यवस्था कहाँ है? अन्यथा क्या होगा, उसको बैंक फाइनेंस उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन जब उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी तो बैंक फाइनेंस भी डूब जाएगा, बैंक भी एनपीए हो जाएगा उसका अकाउंट, ना बैंक का पैसा वापस होगा, ये जो आदमी रोजगार के लिए गया था ये कर्जदार हो गया। तो करना क्या? मेरा अनुभव ये हुआ है कि ये जो पीस मेल में व्यवस्था है ये इस देश में काम नहीं करेगी। कुछ बेसिक्स की ओर हमको मुड़ना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आमूलचूल परिवर्तन जब इस देश की अर्थव्यवस्था में नहीं होता तब तक इस देश के गाँव की समृद्धि दूर की बात नजर आती, तब तक गांव के लोगों को गांव में रोजगार दूर की बात नजर आती। मोटे तौर पर मुझे लगता है कि यदि किसी नौजवान को कोई धंधा करना है, चाहे किसी भी प्रकार का धंधा, मैंने एक मिसाल दी है, सारे धंधों की बात है, अगर उसको बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज नहीं उपलब्ध होगी तो वो आज का जो बड़े उद्योगपतियों का और ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जिस तरह के उद्योगपतियों के साथ इस एंटरप्रेन्योर का मुकाबला खड़ा कर दिया गया, बहुत शब्द चले इस देश में, लेबल
प्लेइंग होनी चाहिए। अरे लेवल प्लेइंग कैसे होगी भाई, एक आदमी को 10 दिन से खाना नहीं मिला है और एक आदमी 10 दिन से छदे उड़ा रहा है, उसको आप कहेंगे कि लेवल पर खड़ा कर दो, दौड़ो भाई आप, ये लेवल प्लेइंग है। लेवल प्लेइंग है कि उसको भी उतना सहारा दिया जाए, उतनी मदद की जाए, उसके लिए नीतिगत स्कोप क्या हो सकते हैं। एक उद्यमी को, एक कारीगर को, वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कौन कौन सी समर्थन है, कौन कौन सी नीतिगत सपोर्ट ट्रैक बन सकती है जिससे वो गांव में टिक सकता है। ये देश अनाज के लिए पर निर्भर था, अनाज का एक ऐसा समय आया जब देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भाई सोमवार को एक टाइम का खाना मत खाओ ताकि हम अनाज की बचत करके अगले दिन के लिए अनाज रख सकें। जिस देश के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि एक दिन अनाज मत खाओ, व्रत करो, वो देश आज सरप्लस देश बन गया, क्योंकि एक नीतिगत समर्थन मिला। सरकार ने तय किया कि हमको देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, उसके मुताबिक कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए, उसके मुताबिक रिसर्च सेंटर बनाए गए, उसके मुताबिक खाद का इंतजाम किया, उसके मुताबिक बीज का इंतजाम किया। ये नीतिगत सपोर्ट थी जिसके लिए भारत कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। अगर हम भारत को स्वरोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो नौजवान को यह आश्वासन होना पड़ेगा कि भाई तुम खड़े हो जाओ, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ। जिस दिन इस देश की सरकार ने, जिस दिन इस देश की जनता ने ये कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, केवल कहने से नहीं है, उस तरह की सपोर्ट, उस तरह की नीतिगत सपोर्ट जब इस देश के नौजवान को मिलेगी, तो नौजवान निश्चित रूप से गांव की समृद्धि में जुट जाएगा, अपनी समृद्धि में जुट जाएगा। इस देश में अथाह पोटेंशियल है, संभावनाएं बहुत है। इस देश के गांव में गांव की समस्या है। मैंने एक जगह, मैं एक बार कहीं गया था, देख रहा था, तो मुझे पढ़ने को मिला, छोटा सा लाइन लिख रखी थी, जहां समस्या है वहां उसका हल है। हिमाचल प्रदेश में एक बिच्छू बूटी होती, उसको हाथ लगाएं तो शरीर जब तक उसमें खुजली हो जाती है, उसके आधे फुट पर एक दूसरी बूटी होती है, जिसका पानी लगा दें तो यह कष्ट खत्म हो जाता है। तो जहां समस्या है वहां उसका हल है, लेकिन मुझे अफसोस है कि आज गांव की समस्या का हल हम ग्लोबल लेवल पर ढूंढ रहे हैं। गांव की समस्या का हल हम ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां वो समस्या ही नहीं। तो गांव की समस्या का हल जिस दिन गांव में सोचने लगेंगे। आज मैंने सुना था एक जगह प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोकल ब्रांड को पॉपुलराइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, लोकल ब्रांड पॉपुलराइज होगा तभी वो टोमेटो केचप के साथ मुकाबला कर सकेगा, लेकिन उसके प्रयास कहाँ है, उसके लिए नीति कहाँ है। लोकल चीजें हैं, बात समझ उपलब्ध है, लोगों का योग्यता है। मैं, मुझे ये खुशी की बात है कि आज रामलाल जी यहाँ हैं और वो बहुत नजदीक से पॉलिसी के कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रोफेशनलिज्म के नाम पर इस देश का उद्यमिता को खत्म किया गया है। कुछ प्रोफेशनल मुझे इस बात को शायद अच्छा पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो देश का इंडिजिनस योग्यता थी, जो लोगों की सोच थी, उसको खत्म कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस देश के नीतिक निर्धारकों से कि जरा अध्ययन करवा लीजिए कि इस देश में जो अर्थ का विकास हुआ है, इस देश में जो इंडस्ट्री का विकास हुआ है, वो प्रोफेशनल्स ने किया है या उद्यमियों ने किया है। बिरला क्या कोई प्रोफेशनल था, टाटा कोई प्रोफेशनल था, मफतलाल कोई प्रोफेशनल था, बजाज कोई प्रोफेशनल था? तो प्रोफेशनलिज्म के नाम पर जो इस देश के इंडिजिनस योग्यता को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको अयोग्य समझा जा रहा है। हमने कई बार चर्चा की थी कि क्या कोई यूनिवर्सिटी देश के कारीगर को डॉक्टरेट की डिग्री दे सकती है, क्या कोई डॉक्टरेट प्राप्त किया व्यक्ति किसी कारीगर को, अनपढ़ कारीगर को डिग्री देने पर खुश हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि देश में जो सही काम हो रहा है उसको निगेट किया जाए और कुछ लोगों के हाथ में इंटेलेक्चुअल पावर के नाम पर, धन के पावर के नाम पर उसको सीमित करके रह गया। देश में एमएससी जो एमएसएमई है उसमें प्रोडक्शन लोग नहीं करना चाहते, इसका अध्ययन करवा लीजिए। अगर ये रिपोर्ट है कि वे प्रोडक्शन बहुत हो रही है तो वो रिपोर्ट गलत है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना नुकसानदायक है, उसको व्यापार करना सुविधाजनक है, ट्रेडिंग सुविधाजनक है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो उद्यमिता विकास है, कौशल विकास है,
इसके साथ जो बाकी बातें जुड़ी हुई हैं ये आइसोलेशन में नहीं होगा, इसको टोटैलिटी में सोचना पड़ेगा। टोटैलिटी में कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक आदमी एक समुद्र के बीच में खड़ा होकर के उनका तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता, वो उसको तो चारों तरफ से सपोर्ट देनी पड़ेगी, तब उसका मुकाबला कर पाएगा। मैं ये मानता हूँ कि देश के की समृद्धि के लिए गांव आवश्यक है, गांव मजबूत होगा देश मजबूत होगा, गांव खुशहाल होगा देश खुशहाल होगा। गांव को अगर मजबूत करना है, गांव को खुशहाल करना है, तो गांव के नौजवान को गांव में रहने की परिस्थितियां निर्माण करने पड़ेगी। अगर उसको गांव में रहना है तो उसको रोजगार का काम देना पड़ेगा। आज खेती लाभ का विषय नहीं रहा, और फिर खेती को भी धीरे धीरे छोटे किसान से बाहर निकाला जा रहा है। हम जब भूदान का काम करते थे, ग्रामदान का काम करते थे, मैं महाराष्ट्र में गया तो महाराष्ट्र में एक रूल था कि स्मॉल जो फार्मिंग है, लैंड होल्डिंग है, वो स्मॉल नहीं होनी चाहिए। इसके द्वारा छोटे किसान को डिस्करेज किया जाता है। तो किसान की खेती मैं एक मॉडल सोचता हूँ, मैं चर्चा भी करता हूँ कि गांव के लिए खेती, उद्योग और पशुपालन, इन तीन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। खेत का किसान खाली समय, जब खेत में काम होगा तो खेत में काम करेगा, जब खाली समय होगा तो उद्योग करेगा, खाली समय होगा तो पशुपालन करेगा। मैं एक इकोनॉमी रामलाल जी आपसे सामने रखना चाहता हूँ कि किसान की जो गाय है उसका दूध अगर पूरा हिसाब लगाया जाए आज के लेबर लॉज के मुताबिक तो 100 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता होगा, शायद ज्यादा पड़ता होगा, लेकिन उसका दूध 30 रुपए किलो बिकता है। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस जिसकी है वो 30 रुपए किलो बेच करके भी लाभ कमाता है। ऐसा कौन सा अर्थशास्त्र है दुनिया में जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है लेकिन 30 रुपया उसकी बिक्री हो रही है फिर भी लाभ कमा रहा है? किसान की गाय से, किसान के पशु से वो बच्चे भी पालता है, बच्चों की शादियां भी करता है, बच्चों की पढ़ाइयां भी करता है, क्योंकि पशु जोड़ लिया, खेती जोड़ ली, उद्योग भी उसके साथ जुड़ जाए। तो ऐसी एक पॉलिसी की आवश्यकता है जिसमें खेती, पशुधन और उद्योग, जिसको गांधी ने ग्रामोद्योग की बात की, कुटीर उद्योग की बात की, इसको जोड़ा जाए तो हिंदुस्तान में एक समृद्धि, खुशी आ सकती है। इस देश में डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की आवश्यकता है, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की आवश्यकता, जिसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात भी कह सकते हैं। किसान के पास इसलिए परेशानी है क्योंकि उसके पास साल में 4 महीने से 6 महीने से ज्यादा काम नहीं है, खाली टाइम में क्या करें। तो यदि इन चीजों को जोड़ा जाए, ये मेरी सोच है, लेकिन इससे भिन्न भी सोच हो सकती है और भी कई मॉडल हो सकते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को बिठाया जाए, ऐसे रिसर्चर्स को बिठाया जाए, ऐसे लोगों को एनकरेज किया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए कि भाई ऐसा कोई मॉडल जो गांव के लिए सही मॉडल हो सकता है, और इन टोटलिटी समग्रता में सोचा जाएगा तो इस देश के कारीगर का महत्व बढ़ेगा, इस देश के उद्यमी का उत्साह मिलेगा। आज मुझे चपरासी बनने में बड़ा आनंद आता है लेकिन उद्यमी बनने में मुझे आनंद नहीं आता है, क्योंकि उद्यमी बनकर के मैं चाहे 100 करोड़ का बिजनेस भी कर रहा हूं, एक चपरासी आकर के मेरी ऐसी तैसी फेर चला जाता है। तो वो कौन सी ताकत है एक 100 करोड़ का काम करने वाले आदमी को तो चपरासी ऐसी तैसी फेर करके चला जाता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? जैसे आदमी IAS बनना चाहता है तो क्या वो एक उद्यमी बनने की स्थिति पैदा हो सकती है? इस प्रकार IAS बनने के लिए वो प्रयास करता है, क्या उद्यमी बनने के लिए प्रयास करने की परिस्थितियां निर्माण की जा सकती है? यदि ऐसा होगा तो गांव का आदमी गांव में रहेगा, गांव का नौजवान गांव में रहेगा, और कारीगर और गांव की समृद्धि, इसका विकास हो सकेगा। गांव को गांव बचेगा देश बचेगा। विनोबा जी ने ग्रामदान आंदोलन के समय ग्रामदान आंदोलन को डिफेंस मेजर कहा, उन्होंने कहा कि बॉर्डर की रक्षा फौज करे, लेकिन बॉर्डर के अंदर की जो सुरक्षा है, अंदर की जो मजबूती है, वो गांव के अंदर गांव के लोगों को संभाल करके, भूदान ग्रामदान लोगों को साधन जुटा करके ये लोग कर सकते हैं। इसलिए विनोबा ने ग्रामदान को डिफेंस मेजर कहा। उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में कभी और कुछ मौका आएगा तो मैं अपना निवेदन करूंगा, लेकिन मुझे मौका मिला इस समय बात करने का। मैं गांधी स्मृति दर्शन समिति का भी आभारी हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर, आपने बहुत ही समग्रता के साथ अपनी बात और समस्या जो है उसको रखा, उसके समाधान के रास्ते पर। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामलाल जी, इनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप अपने आशीर्वचनों से सारे श्रोताओं को लाभान्वित करें। आज की इस संगोष्ठी में जो गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा आयोजित है, उसमें जिन लोगों का उद्बोधन हुआ, श्री लक्ष्मीदास जी, बहन विभा गुप्ता जी, और जो एक तरह का संचालन कर रहे हैं देवश्री ज्ञान जी, और जिनके सहयोग से एक तरह से इस गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, ऐसे श्री बसंत गुप्ता जी, बसंत जी, और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पूरे देश भर में इस कोरोना के संकट के कारण लॉकडाउन लगा, अब जब कोई संकट आता है, चुनौती आती है, तो उसमें अवसर और नई संभावनाएं भी छिपी रहती है। प्रश्न रहता है कि संकट का आत्मविश्वास से, हिम्मत से, धैर्य से मुकाबला करना और उसमें छिपे अवसर और नई संभावनाओं को पहचानते हुए उनका उपयोग करना, भारतीय समाज की विशेषता है जो हमेशा ऐसा करता रहा है। इस अवसर का ही उपयोग करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क विभाग की ओर से भी समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो सक्रिय है, ऐसे सब लोगों से मिलना जुलना हो, ऐसे सब लोगों से वार्ता हो, देश किस दिशा में जाना चाहिए, एक नई यात्रा के साथ एक नए भारत के निर्माण की जो एक परिस्थिति बन रही है, वो नए भारत का निर्माण किस रूप में हो जिससे पूरी दुनिया दिशा प्राप्त कर सके, तो ऐसे कुछ कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर चल रहा है। उसी क्रम में बसंत जी से मेरी थोड़ी चर्चा हुई थी, तो कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक इसी तरह की संगोष्ठी, विशेष रूप से देश में जो गांधी जी के विचार को चलने वाले, जिनको गांधीवादी लोग कहते हैं, सर्वोदय के विचार को लेकर चलने वाले ऐसे ऐसे सभी महानुभावों की संगोष्ठी की थी। उसी में चर्चा आई थी कि एक बार गांधी स्मृति व दर्शन समिति यदि इसके लिए तैयार होती है, तो विशेष रूप से ये कारीगर के क्षेत्र में काम करने वाले जो भी हमारे बंधु बहन हैं, उनके साथ भी चर्चा होना अच्छा रहेगा। अब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इस चर्चा में मुख्य अतिथि मुझे ही बना देंगे। अपने यहाँ गांवों में पुरानी कहावत है, जो बोले सो कुंडी खोले, यानी जब कोई बोलता है तो कहते हैं अब मुझे ही कुंडी खोलनी पड़ेगी, किसी ने बाहर से आवाज दी और कहा कि कौन है, तो कुंडी तो खोलने और कोई जाएगा नहीं, मुझे ही खोलनी पड़ेगी। लेकिन मैं देवश्री ज्ञान जी को धन्यवाद देता हूं कि दो बहुत ही मूर्धन्य वक्ताओं को भी उन्होंने इसमें रखा है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कारीगर, ग्रामोद्योग, गांधी जी, विनोबा जी के दर्शन, इसकी चर्चा की है। देखिए, प्रारंभ में थोड़ा जो ये COVID-19 का विषय है, जिसको कोरोना भी कहा जा रहा है, उसके संबंध में 2-3 मिनट में चर्चा करना मुझे लगता है उपयोगी रहेगा। ये संकट तो आकस्मिक है और अदृश्य शत्रु से लड़ाई है, पूरे विश्व में है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। पिछले 1 महीने से एक इफेक्टेड केस बढ़े हैं उसके, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं जिनको कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, ऐसे हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग, सफाई कर्मी
और पुलिस प्रशासन के लोग, इन सब ने मिलकर के इसको काफी नियंत्रित कर लिया है। और आज प्रतिदिन का आंकड़ा देखेंगे तो 70-75% लोग ठीक होने की दर है, और पूरे 3 महीने के ठीक होने की दर भी आज 64% तक लगभग पहुंच गई है, और मृत्यु दर ये 2.5% से कम है। पूरी दुनिया में मृत्यु दर काफी कम है और ठीक होने की दर काफी अच्छी है। बीच में इंग्लैंड, इसकी मृत्यु दर तो 15% तक भी पहुंच गई। इससे ऐसा लगता है कि भारत में कोरोना या तो भारत के लोगों की हिम्मत देख करके थोड़ा कमजोर हो गया है, जैसे चीन थोड़ा कमजोर पड़ गया है तो चीन से आने वाला वायरस भी थोड़ा कमजोर पड़ गया है, और इससे जो समाज ने एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी है। और अच्छी बात यह है कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर है, अलग अलग दलों की सरकारें रहती है, केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय पर लॉकडाउन का निर्णय, और लगभग सभी प्रदेश सरकारों ने उसका एक पालन करने का प्रयास, समाज द्वारा भी स्वयं अनुशासन का पालन और नियम कानून को मानना, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भी समाज के गरीब कमजोर वर्ग जिनको आवश्यकता थी इस मध्य, उनकी आवश्यकता की पूर्ति भोजन राशन की किट आदि देकर करना, इस सबका परिणाम है कि भारत में ये नियंत्रण है, भय काफी मात्रा में समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेरे पास दायित्व है, संघ के स्वयंसेवक भी समर्पण और सेवा के लिए जाने जाते हैं। मैं इस गोष्ठी में आने से पूर्व आंकड़ा लिया तो ध्यान में आया 5 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने पूरे देशभर में 10 करोड़ से भी अधिक भोजन पैकेट राशन किट सैनिटाइजर वितरित किया, 40,000 यूनिट रक्तदान किया, और भी अनेक प्रकार के काम उन्होंने किए, और सामाजिक शैक्षिक धार्मिक संगठन के इस क्षेत्र में लगे थे, उन सब में भी यथाशक्ति समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास किया। आज कोई संघ के बारे में चर्चा करने का विषय नहीं है, लेकिन मैंने उल्लेख के लिए केवल इतनी चर्चा की आप सबसे। तो इसका परिणाम है कि कोरोना भारत में काफी मात्रा में नियंत्रित है। इस कोरोना को धन्यवाद तो नहीं दे सकते क्योंकि पूरे देश पूरी दुनिया में इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन कोरोना ने एक जीवन जीना, कैसा जीवन जीना, दिनचर्या कैसी रखना, यह भी लोगों को सिखा दिया। कुछ लोग कहते हैं चाइनीज वायरस है, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति का जब अत्यंत दोहन हो जाता है तो प्रकृति भी समय समय पर न्याय करती है। तो प्रकृति ने इस कोरोना के माध्यम से जो चीजें हम भूल गए थे, जिसकी चर्चा पूर्व वक्ताओं ने भी की, उसकी तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित कर दिया। आज घरों में रह करके लोग योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आयुर्वेद इसका पालन कर रहे हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों में रुचि बढ़ गई है, और जैसे अनेक व्यवस्थाएं हमारी भारतीय संस्कृति की धुरी थी, जिसमें ग्रामीण व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जनजीवन, वैसे ही परिवार इकाई, ये भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उस परिवार इकाई को भी सुदृढ़ होने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि सब लोग पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर इसमें रहे, बुजुर्गों की भी चिंता हुई, बच्चों की भी चिंता हुई। सरकार ने भी इस अवसर का ध्यान दिया, और आपने देखा कि जो चीजें हम बाहर से मंगाते थे, पीपी किट, वेंटिलेटर, मास्क 95 आदि, वो सब भारत में ही बनने लगी। हमारे उद्योगों ने, हमारे शोधकर्ताओं ने बहुत जल्दी इस विषय पर काम किया, और आज पीपी किट तो हम बाहर भेजने की स्थिति में, एक्सपोर्ट करने की स्थिति में, वेंटिलेटर मास्क में भी हम स्वावलंबी हो रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई हमने दुनिया को भी दी, वसुधैव कुटुंबकम अपना इसका भी परिचय दिया, साथ साथ यहाँ की आवश्यकता भी पूर्ति हुई, आज 2.5 गुनी दवाएं बढ़ रही है। तो ध्यान में आया कि भारत में क्षमता पर्याप्त है, अवसर की बात है केवल, भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भर बन सकता है।
शायद इन्हीं सब बातों को पहचान कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की। हालांकि ये भी एक साहस की और हिम्मत की बात थी, जब दुनिया में एक दूसरे की आवश्यकता की जरूरत हो सकती है इस महामारी में, तब आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करना, आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा करना और पूरे देश भर में आत्मनिर्भर भारत के लिए वातावरण बनना। संयोग से इस बीच में भारत चीन सीमा का विवाद हुआ, हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। हालांकि इस विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री ने बोलते समय कहा कि वो मारते मारते वीर गति को प्राप्त है। अब ये ठीक है कि कई लोग उसमें कई प्रकार का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ये घटना हुई वह सीमा अनिश्चित है, दोनों का आना जाना चलता है, छोटी मोटी झड़प या आए दिन होती रहती है, वहां कोई स्थायी निर्माण नहीं हो सकता, हथियार लेकर जा नहीं सकते, समझौता है। तो ऐसे समय हमारी सीमा में चीन घुसाया ये कहना उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। वहां उन्होंने थोड़ा अस्थायी निर्माण करने की कोशिश की, जब भारत की सेना को ध्यान में आया तो उन्होंने पीछे हटाया, उनके भी अनेक सैनिक मारे गए। हम ऐसे वीर गति को प्राप्त अपने सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उसके कारण पूरे देश भर में देशभक्ति की भावना निर्माण हो गई और इधर आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई तो एक स्वाभाविक रूप से स्वदेशी और स्वावलंबन इसके प्रति लोगों में रुचि जागृत हो गई, लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। नारा तो चाइनीज सामान के बहिष्कार का चल रहा है, लेकिन उससे स्वदेशी की भावना प्रबल हो रही है। तो इस कोरोना के काल में अनेक अवसर भी समाज के सामने है, नई संभावनाएं भी है और इसका उपयोग करते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा ये बन सकती है, ऐसा एक आत्मविश्वास सबके मन में निर्माण हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इस समय एक विजनरी विल पावर वाला स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, सेना सब दृष्टि से सक्षम है और पूरा समाज एकजुट है। और जैसा कहते हैं गांव में कहावत है ना कि लोहा गर्म हो उस पर चोट करो, तो कोई भी आकृति दी जा सकती है, कोई भी शेप उसको दी जा सकती है। तो विशेष का तरुण पीढ़ी, नई पीढ़ी, इसके मन में इस समय देशभक्ति और स्वदेशी की भावना है, जिसको कहा कि लोहा गर्म है। इस समय थोड़ी यदि उसको दिशा दी जाती है तो उसके मन को कोई भी आकृति दी जा सकती है। तो एक बहुत अच्छा अवसर भी है, हमें कोरोना से मिलकर लड़ना है, कोरोना को हराना है, लेकिन साथ साथ एक नए भारत के निर्माण की दिशा भी हमको पकड़नी। अब नए भारत के निर्माण की जब दिशा पकड़नी तो वो दिशा क्या हो, अभी पूज्य गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही है। एक अच्छी बात यह है कि आज नेतृत्व जिनके हाथ में, माननीय प्रधानमंत्री जी भी जिन अनेक महापुरुषों से प्रभावित है, कोई महापुरुषों की तुलना नहीं हो सकती, हरेक के अपने अपने गुण रहते हैं, हरेक के अपने अपने उस समय की कार्य रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी हों, चाहे सरदार पटेल जी हों, राम मनोहर लोहिया हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, चाहे नानाजी देशमुख हों, ये सब, चाहे सर्वोदय इसकी स्थापना करने वाले विनोबा भावे जी हों, इन सब ने समाज की एक एक ही दिशा देने का प्रयास किया है। और वो दिशा ये है कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें लिखना पढ़ना सीखे, उसको उसकी बुद्धि भी तेज हो, साथ साथ वो काम भी सीखे, यही सबकी कल्पना थी। पंडित दीनदयाल जी नारा देते थे, जिसको बाद में नाना जी ने भी बोला, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। मैं थोड़ा सा गांधी जी का पढ़ रहा था, उन्होंने भी मेरे सपनों का भारत उसमें बोला है, मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का भी महत्व है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, नई तालीम। नई तालीम में विद्यार्थी की बुद्धि और हाथ दोनों साथ साथ काम करेंगे,
जब लोग हाथ से काम करेंगे तो बेकारी और भुखमरी का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मेरी नई तालीम और ग्रामोद्योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यदि वो दोनों सफल होंगे तभी सच्चा स्वराज आएगा। हर गांव की अपनी आवश्यकता की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिए और शहरों की जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करनी चाहिए। अब एक दुर्भाग्य की बात रही कि ग्राम आधारित आर्थिक सामाजिक पुनर्गठन के उनके विचारों को आजाद भारत की राष्ट्रीय अर्थनीति में वैसी प्राथमिकता नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए। एक अलग तरह का मॉडल देश के विकास का और आर्थिक प्रगति का चल पड़ा, उसमें ग्रामीण विकास, ग्रामोद्योग ये कहीं ओझल हो गए। चीज में कुछ नेतृत्व ऐसे आए जिन्होंने थोड़े थोड़े उस ढंग से प्रयास किए और इससे जिन बातों की आज चर्चा हुई वो बातें सामान्यतः थोड़ा पीछे छूट गई। आज हम ग्रामोद्योग के साथ साथ थोड़ा कारीगर इस विषय की भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, आज कहीं भी खुदाई होती है, खुदाई में कुछ चीजें मिलती हैं, तो बताया जाता है ये सिंधु घाटी सभ्यता की बातें थी, ये फलानी बातें थी, ये उस समय की बातें थी। यानी सभ्यता का आकलन किन बातों से होता है जो खुदाई में छोटी छोटी चीजें मिलती हैं। जो खुदाई में चीजें मिलती हैं वो क्या है? वो शिल्प कला है। इसका अर्थ है कि भारत शिल्प कला में कितना समृद्ध था और आज भी उन चीजों को देखकर, वो कितनी पुरानी है देख करके, उस समय कौन सी सभ्यता थी इसकी चर्चा होती। अब यहाँ आप सब सुधी बंधु हैं को बहने हैं, कोई बहुत अधिक इसमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, आप राजस्थान में चले जाए, कितने किले हैं, महल है, आप दक्षिण भारत में चले जाए, बड़े बड़े मंदिर है, ये सब स्थापत्य कला के एक पूरी दुनिया में एक पहचान बने हुए। अजंता एलोरा की गुफाएं होंगी, हजारों लोग देखने के लिए आते हैं, ये स्थापत्य कला की एक पहचान बने हुए। मोहनजोदड़ो क्षेत्र में चन्नूदरा नाम की एक बस्ती थी जो उस 125 हेक्टेयर में 7 एकड़ की थी, जो शिल्प कला के लिए समर्पित थी। तो शिल्प कला को कितना महत्व अपने भारत में था, शिल्प कला को कितना प्रोत्साहन था, शिल्प कला के आधार पर सारी समाज की आर्थिक रचना खड़ी थी, ये दृश्य अनेक बातों में से दिखाई देता है। अब जब हम कारीगर और शिल्प कला इसकी चर्चा करते हैं तो देखिए, गांधी जी ने भी बहुत अच्छे शब्दों में उसको व्यक्त किया है। हस्त कौशल हाथ से काम करना मनुष्य को पशु से अलग करता है, यानी श्रम का इतना अधिक महत्व बताया हुआ कि हस्त कौशल ये पशु से मनुष्य कुछ अलग है, ये इस बात का परिचय है। तो हस्त कौशल कितना महत्वपूर्ण है, उन्होंने मैंने प्रारंभ में ही कहा अक्षर ज्ञान के साथ साथ हुनरमंद बनाना, ये इसके बारे में चर्चा की। खादी, चरखा, इनको इन सब चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कुटीर उद्योगों की वकालत की, उन्होंने ग्रामोद्योग की वकालत की। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय शब्द की चर्चा की। ये अंत्योदय और सर्वोदय एक प्रकार से एक ही जैसा है, सभी का उदय। सभी का जो उदय कहते हैं तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति उसके भी उदय उसमें सम्मिलित है। शायद इन महापुरुषों से प्रभावित होने के कारण ही ये शब्द प्रयोग हुआ, सबका साथ सबका विकास। तो हमें जब आर्थिक नीतियों की चर्चा करनी है तो इसमें ग्रामोद्योग, अंत्योदय, कारीगर, इन सबके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अब ये ठीक है कि आप सबके मन में आएगा कि इसमें कुछ अपने करने लायक बात है, कुछ सामाजिक संस्थाओं के करने लायक बात है, कुछ सरकारों के करने लायक बात है। जो सरकारों के करने लायक बातें हैं उनके बारे में सरकार को समय समय पर हम आप जैसे लोगों को ही सचेत करना पड़ेगा, सामाजिक संगठनों को ही सचेत करना पड़ेगा। कुछ मात्रा में
सरकारें वैसा करते दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है तो मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, वहां भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, इसकी एक अच्छी योजना बनी है। लोकल के लिए वोकल की जो बात आई उसमें ये एक जिला एक उत्पाद, इसमें एक लोकल उत्पादों को उनका उनको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना ये संभव हो सकता है। अभी लक्ष्मीदास जी ने भी इसकी चर्चा की, युवा जी ने भी अपने ढंग से इन बातों की चर्चा की है। तो ये सब चीजें ऐसी कुछ ना कुछ मात्रा में हो रही है, लेकिन ये और अधिक हो, गति से हो, इसके लिए क्या करना कैसे करना, इसके लिए थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे, आप सबके भी सुझाव इसमें आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। आज इस कोरोना में ये माइग्रेंट लेबर एक शब्द ये सबके ध्यान में आया, उसकी बहुत मैं विस्तार में नहीं ले जाता आपको, लेकिन देखिए कोई भी अपना घर छोड़कर ऐसे नहीं जाता, और कहीं व्यवसाय के लिए चला गया तो वापस इस ढंग से पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल के घर पहुंचे ऐसा भी कम होता है। कहीं कहीं उनमें असुरक्षा बोध का निर्माण हुआ, लोगों ने उनकी चिंता की, ऐसा नहीं है कि नहीं चिंता हो, लेकिन उन्हें लगा कि कब तक ऐसी चिंता होगी, तो इससे तो अच्छा है घर चलना चाहिए। और मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि चाहे कोई निहित स्वार्थ रहे होंगे, चाहे कोई और भी बातें रही होंगी, कुछ लोगों ने एक झूठी खबरें भी चलाई, कहीं कहीं थोड़ा प्रवोक भी किया गया और एक बड़ी संख्या में सड़क पर आ गए। लेकिन आज जब हम कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन करते हैं तो मुझे तीन वर्गों के और अभिनंदन करने की इच्छा होती है, उसमें विशेष रूप से हमारे मजदूर भाई बहन, श्रमिक भाई बहन, वास्तव में तो इनको मजदूर और श्रमिक कहा जा रहा है प्रचलित अर्थ में, लेकिन आज सबको उनकी डिग्निटी ध्यान में आ रही है, उनको राष्ट्र निर्माता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण शब्द नहीं होगा। उनके बिना फैक्ट्री नहीं चल रही, उनके बिना बहुत सारे घरों में काम नहीं चल रहा, तो राष्ट्र के निर्माण में कितना महत्वपूर्ण योगदान है ये आज वो नहीं है तब ध्यान में आ रहा है, कई बार उपस्थिति से ध्यान में नहीं आता, अनुपस्थिति से ध्यान में आता है। वो उन्होंने कष्ट सहन किया, घर पहुंच गए, लेकिन कोई विद्रोह नहीं किया, शांति से चले गए कष्ट सहन करके। हालांकि सामाजिक संगठनों ने रेलवे स्टेशन हाईवे पर जितनी उनकी चिंता कर सकती थी चिंता की, सरकारों ने भी लगभग 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को रेल और बसों से सुरक्षित अपने स्थानों पर पहुंचाया। प्रारंभ में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कुछ रहा होगा जिसके कारण कुछ अब्बास स्वरूप घटनाएं आई होंगी। एक हमें ग्रामीण क्षेत्र का भी अभिनंदन करना पड़ेगा, 65% भारत का ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है, उसने कोरोना को अपने प्रवेश नहीं करने दिया। गांव की शक्ति, गांव की सामूहिकता, गांवों की जागृति, उनको कोई कुछ भी कहे, शहर के पढ़े लिखे लोग बाकी लोग उनके लिए कोई भी संबोधन कर देते होंगे जो पिछले उद्बोधन में आया भी, लेकिन आज देश की ग्रामीण जनता का अभिनंदन करने की इच्छा हम सभी की होती है कि उन्होंने इस कोरोना को कम्युनिटी स्पिरिट से बचा लिया, अपने गांव के बाहर बैरियर लगा दिए, कोई बाहर नहीं गया, आने नहीं दिया, जो माइग्रेंट लेबर गई उसको भी उन्होंने गांव के बाहर 14 दिन आग्रह पूर्वक क्वारंटाइन में रखा, उसके बाद घर लाए हो, तो उनका धैर्य ये भी बड़ी बात है। और गांव की जो एक व्यवस्था है कि आपस में मिलजुल करके पूरा काम चला सकते हैं, जिसका गणेश ने भी उल्लेख किया कि गांव की आवश्यकता की पूर्ति गांव में ही हो, तो आज भी गांव में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, इससे वहां कोई कमी नहीं पड़ती। पुराने समय तो आपको मालूम है गांव में शादी चाहे किसी बड़े व्यक्ति की हो, चाहे छोटे व्यक्ति की हो, चाहे किसी की हो, किसी जाति बिरादरी की हो, पूरा गांव मिलकर उस शादी की व्यवस्था करता था। तो ऐसा अपना ग्रामीण जनजीवन है, तो आज ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण समाज का वास्तव में अभिनंदन करने की बात है कि उन्होंने अपने यहां इस कोरोना को आने नहीं दिया। अब एक जैसे स्वदेशी और स्वावलंबन की बात चली है आत्मनिर्भरता के लिए,
मैं आत्मनिर्भर भारत में क्या 21 लाख करोड़ का पैकेज वगैरह हुआ उसकी बहुत चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये बात ठीक है कि एक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एक कारीगर से संबंधित जितनी चीजें वो हो इसकी इच्छा तो सरकार ने दिखाई है। अब वो विभाग ठीक से चल जाए, उसका ठीक से लोग सदुपयोग कर ले, इसके लिए जागृति लाने की जरूरत पड़ेगी। खादी ग्रामोद्योग भी एक अच्छे ढंग से काम कर रहा है, उन्होंने खादी की भी एक ग्लोबल ब्रांडिंग जैसी बना दी है और एक अनेक प्रकार से उसको काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। तो ऐसे सभी बातें हो रही है, इससे सरकार की दिशा तो ध्यान में आती है कि दिशा तो ठीक है, हम आप जो सोच रहे लगभग वो दिशा दिखाई देती है। अब वो उसका कार्यान्वयन ठीक हो जाए, उसमें गति ठीक आ जाए, इसकी आवश्यकता स्वाभाविक रूप से महसूस हम सब कर सकते हैं। देखिए, जब स्वदेशी की चर्चा होती है तो मैं स्वदेशी जागरण मंच के लोगों से बात की, अंकित भाई अभी ये स्वदेशी की चर्चा हुई है तो आप क्या सोचते हैं? उन्होंने तीन अच्छे शब्द प्रयोग किए, उन्होंने कहा स्वदेशी तभी सफल होगी जब इच्छा से हम देसी खरीदे। देसी से अर्थ है कि जो हमारे आसपास बनता है वो खरीदे, एकदम लोकल, जिसको गांधी जी ने भी कहा कि गांव की आवश्यकता गांव में पूर्ति हो। तो क्या गांव का व्यक्ति ऐसा तय कर सकता है, शहर का व्यक्ति तय कर सकता है कि मेरे शहर में जो बनता है पहले मैं कोशिश करूंगा, उसकी इच्छा रखूंगा कि उससे मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति करूं। जरूरत हो, जरूरत के अनुसार भारत में बनी हुई चीज खरीदे, स्वदेशी खरीदे। इच्छा से देसी, जरूरत से स्वदेशी, और जिन चीजों में टेक्नोलॉजी है, जिन चीजों में और कोई बात है जो अभी अपने भारत में विकसित नहीं हुई, विकसित होने में समय लगेगा और भारत के विकास और उत्थान के लिए आवश्यक है, मजबूरी में उन चीजों को विदेशी के रूप में प्राप्त लेना। और उसमें भी माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्म शताब्दी चल रही है, उन्होंने मजदूर क्षेत्र में बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया, बहुत काम किया है। वो कहते थे कि विदेशी वस्तु यदि लेनी भी पड़ती है तकनीकी के कारण और देश के विकास की कुछ आवश्यकताओं के कारण, तो विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाओ, उसको अपने अपने देश के अनुकूल बनाओ, और जो स्वदेशी है उसको युगानुकूल बनाओ, उसको युग के अनुकूल बनाओ। तो ये दोनों बातें होती है तो फिर दोनों के सामंजस्य से वो गाड़ी आगे बढ़ती है। आज जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात आई, इसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी काफी प्रोत्साहित करने की बात हुई है, और अभी तो इस नए आर्थिक पैकेज में शहरी क्षेत्रों में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ही, उनमें भी एक अच्छी व्यवस्था की है। पंचायतों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए डायरेक्ट केंद्र सरकार से फंडिंग की भी व्यवस्था है। अभी ये तो आवश्यकता है कि समाज में एक प्रामाणिकता का भाव निर्माण हो, जो पैसा पहुंचता है वो पैसा ठीक से लग जाए। वो ठीक लगता है तो पंचायत के स्तर पर गांव बहुत अधिक विकसित हो सकते हैं, गांवों में रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती है। और जो स्वरोजगार की बात आई, इसके लिए भी एक दिशा तो बनी है। अब उसमें बैंक और उसकी कुछ कठिनाइयां होंगी, लेकिन मुद्रा लोन की व्यवस्था है, अभी भी इसमें कई प्रकार के लोन की व्यवस्था की है, विशेष रूप से जो हमारे दिहाड़ी मजदूर हैं, रेड़ी पट्टी वाले लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था की है। जो माइग्रेंट लेबर चली गई, उनको यदि वही रोजगार करना है तो मनरेगा में 40,000 करोड़ का अलग से व्यवस्था की गई है। कई सरकारें उनकी मैपिंग कर रही है, उनकी स्किल क्या है, अनस्किल लेबर है तो जाना चाहती है वापस या यही रहना चाहती है, तो इसकी इसकी मैपिंग की है। और इसकी मैपिंग करके एक ऐप बना करके वही की वही उद्योग उसके लेबर को ले सकते हैं। ऐसी भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं संवेदनशीलता के आधार पर चल रही है, ऐसा ध्यान में आ रहा है। और इसे दलगत विषय नहीं है, विभिन्न दलों की सरकारें जो अपने अपने ढंग से मजदूरों की चिंता कर रही है, तो इस दृष्टि से भी क्या हो सकता है, ये थोड़ा एक विषय है। जो
लोकल के लिए वोकल होना और लोकल को ग्लोबल बना देना, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अब बिहार में मिथिलांचल में पेंटिंग है, बाकी चीजें हैं, ऐसे देश में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे क्लस्टर बनाए हैं, उन क्लस्टर के माध्यम से उन चीजों को विकसित करने का एक प्रयास है। टेराकोटा पेंटिंग है, मिथिलांचल की है, मदुरई, उन सबकी आपको मालूम है कि वस्त्र और इन सबका कितना बड़ा विषय है। बनारस की कई साड़ी का विषय आता होगा कि मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनने का काम आता होगा। ऐसे इन सब बातों को बहुत अधिक ढंग से बढ़ाया जा सकता है। यहां तक कि बस्तर में जहां बिल्कुल अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, वहां भी इतने अच्छे ढंग से सारी कढ़ाई बनाई है कि बस्तर की आज उसका ठीक से यदि प्रमोशन होता है तो यानी दुनिया के स्तर की चीजें बनाते हैं हमारे छोटे छोटे कारीगर। और ये तो हम सबने कथा सुनी है कि भाई अपने यहां तो रेशम और उसका ऐसे वस्त्र बनते थे कि एक अंगूठी में पूरी साड़ी निकल जाए। आप कल्पना करिए क्या कलाकृति रही होगी, क्या हुनर रहा होगा उनके हाथों में। तो उस हुनर को पहचान करके सरकारें भी पहचाने, समाज भी पहचाने, सामाजिक संस्थाएं भी पहचाने, स्वयंसेवी संगठन भी पहचाने और सब एक अपने अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए इस ढंग से करेंगे। पंचायत में ही एक जो बात आई कि इच्छा से देसी, तो पंचायत में ये चीजें होंगी तो स्वाभाविक रूप से ये पलायन ही नहीं होगा, वहीं उनको रोजगार उपलब्ध हो जाए जो आज ये होता है। स्वरोजगार की बात होती है कि भाई नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले लोग बने, इसीलिए मुद्रा लोन वगैरह की व्यवस्था हो कि लोग स्वरोजगार करें और एक एक आदमी 10-10, 20-20 लोगों को रोजगार दे सकता है स्वरोजगार करके। अब एक विषय हो सकता है कि गांव में जो चीजें उत्पाद होती है गांव के आसपास उन्हीं का स्वरोजगार हो, इसे थोड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ये सब बढ़ाने की बात है। कृषि के क्षेत्र में कई चीजों का एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन करना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में परिवर्तन करना, एफपीओ इसके माध्यम से एक फॉर्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किसानों को कई तरह का प्रोत्साहन करना, एक न्यूनतम मूल्य गारंटी योजना के अंतर्गत भी एक सामूहिक खेती इसका भी एक प्रावधान, ऐसे करने की बात ये कई प्रकार से हुई है। मुझे लगता है कि हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने भी इसकी एक सारी प्रस्तावना हम सबके सामने रखी है और मेरे ध्यान में भी जो विषय आए, कोरोना की चुनौती, उस चुनौती में से अवसर और नई संभावनाएं और एक नई आदतें जो निर्माण हो रही है, इन नई आदतों को सुरक्षित रखते हुए एक नए भारत के निर्माण की दिशा में भारत को बढ़ाना, ऐसा भारत जो दुनिया को दिशा दे सके और इस भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाकर खड़ा करना। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये जो हमारे राष्ट्र निर्माता है जिनको हम श्रमिक को मजदूर कहते हैं, इनके योगदान को पहचानना, इनकी डिग्निटी इसको पहचानना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहचानना, कुटीर उद्योग ग्रामीण उद्योग इनको इनके प्रोत्साहन की व्यवस्था करना, ठीक है। अनेक कुछ विषय ऐसे होंगे जिसमें बड़े कल कारखाने लगेंगे, रक्षा उत्पादन होना है तो बड़े कल कारखानों में होगा, कोई स्पेस का विषय होगा, कोई और विषय होगा, कोई स्टील यूनिट होगी, कोई ऊर्जा के क्षेत्र में काम होंगे, वो बड़े बड़े लगेंगे, वो एक अलग है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी इकाइयां ग्राम और उसके आसपास, गांव में जो चीज होती है उसके आधार पर भी लगती है और मुझे लगता है कि इस दिशा में विभिन्न सरकारें सोच भी रही हैं। एक सामाजिक संगठन के नाते, एक स्वयंसेवी संगठन के नाते हम भी इन सब चीजों को कैसे प्रोत्साहित करें और हम सब स्वयंसेवी संगठन मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए भी इस दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मुझे लगता है ये एक सोचने की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। ऐसा यदि हमने सोचा तो जैसा भारत हम सब बनाना चाहते हैं
वैसा भारत निश्चित रूप से बन सकेगा। खेती के बारे में चर्चा आई है, खेती, पशुधन, ग्रामोद्योग, वास्तव में तीनों चीजें मिल जाए तो किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा, किसान स्वाभिमान के साथ रहेगा। लेकिन तीनों का मिलान कैसे हो, इनका उचित मूल्य कैसे मिले, आदि आदि ये सब विषय तो है। आर्थिक समृद्धि की वास्तव में बागडोर गांवों में खोजने की कोशिश की जाए, अब ये हमारे नीति नियंताओं को करना पड़ेगा। समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो इस विषय में प्रस्ताव भी पारित किए, सरकारों को भी समय समय पर एक ऐसे सुझाव, आप सबके द्वारा आए हुए सुझाव भी हम लोग प्रेषित करने की कोशिश करते। आज भी जो विषय आएगा तो अपने संपर्क संबंध के आधार पर उचित जगह में वो भी भेजने का प्रयास करूंगा और उस पर उस अनुसार आगे बढ़ा जा सके। इसके लिए भी जो प्रयास हो सकता है वो हम आप सबको मिलकर करना है। मुझे लगता है कि हम सब आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह के साथ खड़े हों, निराशा का कोई कारण नहीं है। भारत की नियति है दुनिया को दिशा देना, दुनिया को नेतृत्व करना, निश्चित रूप से भारत को करेगा, भारत करने में सफल होगा, सब निश्चित रूप से सफल होगा। पूरा समाज एकजुट होकर के आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो जाए, सरकारें समाज की इस ताकत को पहचाने और हम सब मिलकर के एक अच्छे, समृद्ध, सुखी, सुरक्षित, सशक्त भारत के निर्माण की पहल करें, यही मेरी आप सबसे विनती है। अब हम लोग थोड़ी चर्चा प्रारंभ करेंगे। समय तो सब तीनों के बोलने में काफी अधिक हुआ है क्योंकि 5:30 तक हम इसको समाप्त भी करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग बोलेंगे, हमने कितना ही लंबा बोला हो लेकिन आप थोड़ा सहयोग करेंगे, संक्षेप में एक एक दो दो मिनट में ही अपने टू दी पॉइंट बात रखेंगे। और मैं आयोजकों से चाहूंगा कि जो नहीं बोल पाएंगे उनके सुझाव लिख करके मंगा लें, या जो विस्तार से भी बोलना चाहते हैं यहाँ उतना अवसर नहीं मिलेगा तो उनके सुझाव लिख करके मंगा लें, तो उसका एक अच्छा नोट बना करके आप बनाकर रखेंगे तो फिर उसका यथोचित उपयोग करने का प्रयास होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपने समेकित रूप से पूरे विषय को रखा है और इस महामारी में कैसे अवसर तलाशे जा सकते हैं, कारीगरों की बात की है, कारीगरों के लिए कैसे सम्मानपूर्वक जीवन और रोजगार का प्रबंध किया जाए, इस संबंध में भी आपने बात कही। महोदय, हमने आप सभी के उद्बोधन के दौरान प्रश्नों को भी आमंत्रित किया था, हमें सिर्फ एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। यह प्रश्न श्री धर्मेंद्र भाई सासाराम बिहार से है, जिनका प्रश्न है कि सर, आज समाज जिस प्रकार के नौकर पैदा करने की फैक्ट्री बनता जा रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए एवं एक उद्यम प्रधान ग्राम निर्माण कैसे किया जाए। आगे का बिंदु क्या बोला आपने आखिर में? सर, मैं प्रश्न दोहरा दे रहा हूँ। सर, आज समाज जिस प्रकार से नौकर पैदा करने की फैक्ट्री बनता जा रहा है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए एवं एक उद्यम प्रधान ग्राम निर्माण कैसे किया जाए। देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं हमको, जैसा मेरे के पूर्व के वक्ताओं ने कहा और लक्ष्मीदास ने भी कहा कि हमें व्यवस्थाएं भी खड़ी करनी पड़ेंगी और समाज को जागरूक भी करना पड़ेगा। जैसा उन्होंने कहा कि गांव में केवल सुविधा के लिए नहीं रहता, गांव में रोजगार उपलब्ध हो तो गांव में ही रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सुविधाओं की भी आवश्यकता है। गांव में सड़क है, गांव में बिजली है, गांव में पानी है, गांव में स्वास्थ्य है, गांव में शिक्षा है। जो अभी लगता है कि सभी सरकारों को समझ में आ गया है, मैं इसलिए दल की चर्चा नहीं कर रहा, किसी भी दल की सरकार है चाहे प्रदेश में चाहे केंद्र में, उन सबको ये बात समझ में आ गई है कि भाई इतने सालों में गांव जैसे बनने चाहिए थे वैसे नहीं बने। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगभग सभी गांवों तक बिजली पहुंची है। अब धीरे धीरे प्रयास हो रहा है कि गांवों में बिजली, शहर की तरह भी गांव में भी बिजली
24 घंटे क्यों नहीं आ सकती, सोलर लाइट की बात भी हो रही है, तो गांव तक ये सुविधाएं भी पहुंचती हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन गांव में पहुंचते हैं, तो गांव गांव के उत्पाद का उचित मूल्य उनको मिल सके, क्योंकि सड़क नहीं है तो ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये व्यवस्थाएं भी गांव स्तर पर जुटानी पड़ेंगी, जिसका प्रयास हो रहा है। हाँ, उसमें जो और गति आना चाहिए उतनी आवश्यकता है। दूसरी, आज ग्राम सभा को जो फंड जाता है उसके लिए गांव के ही कुछ जागरूक लोग उसकी समीक्षा करें। ये ठीक है, जो ग्राम प्रधान है, सरपंच है, वो ताकतवर आदमी होता है, तभी चुनाव जीत कर आता है, लेकिन तो भी गांव के यदि 10 युवाओं की ऐसी टोली बन जाती है जो थोड़ा इसका एक दबाव बनाती है, या उनको लगता है कि नहीं कोई हमको देख रहा है, तो उसका ठीक सदुपयोग होगा, तो गांव निश्चित रूप से उसमें से विकसित होंगे। जो 5 मूलभूत बातों की चर्चा की वो गांव में बहुत जल्दी हो जाएगी। अब जहां तक स्वरोजगार की बात है, तो स्वरोजगार की चर्चा हम तीनों के वक्तव्य में काफी आई है। स्वरोजगार की तरफ प्रोत्साहन ही देना पड़ेगा, उसके लिए वैसी व्यवस्थाएं, लोनिंग की व्यवस्था, बैंक उस ढंग का सहयोग करें, एक अनुकूल वातावरण उसके लिए बने, मानसिकता भी बने और एक अनुकूल एक माहौल भी पैदा किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आदमी गांव छोड़कर जाना चाहता है, तो वो गांव में ही स्वरोजगार कर सकता है, उसको आनंद आएगा कि आज मैं रोजगार कर रहा हूं और 4 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी पड़ेगी कि उसका कच्चा माल गांव में ही जो उपलब्ध है उससे जुड़ा यदि रोजगार स्वरोजगार होता है और उसकी कुछ व्यवस्थाएं वहां होती है, तो जो आपने कहा कि शायद इस समस्या का काफी मात्रा में समाधान हो सकता है। और मुझे लगता है कि अब इस दिशा में सोच बन रही है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो लोग भी शासन में हैं वो इस दिशा में एक और अच्छे मन से सोचें, गति के साथ इस दिशा में प्रयास करें, और हम आप सब जागरूक संगठन के लोग भी इस ढंग से समाज को जागृत करने का प्रयास करें, तो शायद आपके मन की बात ये जल्दी पूरी हो सकने की स्थिति बनेगी। सर, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई भी प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन मैं अपने प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि आपके अगर कोई प्रश्न किसी भी वक्ता से हैं तो कृपया आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके वो प्रश्न पूछ सकते हैं। माइक्रोफोन कर सकते हैं या आपके पास लिखकर भेज सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट नेहा धवन हरियाणा से। माननीय रामलाल जी को नमस्कार और सभी स्पीकर्स को नमस्कार। रामलाल जी, आपसे मैं एक विषय में बात करना चाहती हूँ जो कि इसी विषय से संबंधित है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आजकल सभी लोग घरों में हैं और घरों में आप ही मालिक हैं, इसलिए सब लोग आपकी आवाज अभी तो ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं सब लोग। रामलाल जी, जैसा हम जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और जब से आजाद भारत के बाद से जितने भी उद्योगीकरण की नीतियां बनाई गई, उससे हर जो हस्तकरघा उद्योग थे उन सबका धीरे 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 पतन होता गया और फैक्ट्री के उत्पादों का जो है वो बढ़त होती गई। आज एक छोटा सा सुझाव है, क्योंकि आपके माध्यम से ये सरकार तक बहुत अच्छे से पहुंच सकता है, कि अगर हम पंचायत स्तर पर पंचायत को के लिए कुछ नियम और रूल एंड रेगुलेशन जारी कर दें जो उनके लिए निभाना अनिवार्य हो, तो उस प्रत्येक गांव में जो भी स्किल अवेलेबल है उस स्किल से किए गए प्रोडक्शन का इस्तेमाल पंचायत को अनिवार्य कर दिया जाए, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कृषि से प्रोडक्शन हो, और चाहे वो वहां पर कोई भी शिल्प कला हो या और किसी कला के प्रोडक्ट्स का स्किल हो उस गांव में। अगर हम ये काम पंचायत स्तर पर लागू कर दें और सरकार की तरफ से पंचायत
के लिए ये अनिवार्य हो जाए और वहीं से ही उनके प्रोडक्ट्स का खरीदना और बेचना भी हो जाए तो ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा तो क्योंकि अभी जैसे जैसे हम अपने पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो स्किल्स को वापस डेवलप करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनकी लास्ट आखिरी पीढ़ी भी समाप्त हो चुकी है, आगे उनका प्रोडक्शन करने वाला भी कोई नहीं है, जिसमें से अभी विभा मैम ने बात की थी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने वाले तो कारीगर ही अब देश भर से गायब हो गए हैं। ऐसे ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका पतन हो चुका है, उनको आगे नई पीढ़ी ने नई जनरेशन ने सीखा ही नहीं बनाना। तो क्या हम पंचायत को किसी भी तरह से न्याजी इसको थोड़ा लिख करके विस्तार से दे दीजिए, अच्छा सुझाव है आपका, तो आप दे दीजिए। मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, इनको दिव्य ज्ञान जी को करिए, वो सबका ले लेंगे ना सबसे। जी शुक्रिया। नमस्कार जी मैं बोल सकता हूँ? नमस्कार जी, मैं मदन मोहन गुप्ता बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा ये कहना है कि चुनाव प्रणाली के अंदर गांधी जी डिसेंट्रलाइज्ड जो है पंचायतों के प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव करवाकर इलेक्शन ऑफ नील एक्सपेंडिचर की बात करते थे, क्या उस पर कुछ चिंतन किया जा सकता है कि पंचायतों का सशक्तिकरण किया जा सके और उनके प्रतिनिधि ही जिनकी उनको वोट मिले हों गाँव में उतनी उनकी वोट की एक वैल्यू रखते हुए वही MLA MP CM चुनने का अधिकार मिल जाए। देखिए मुझे इस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करनी, गांधी जी ने जिस समय कहा था उस समय समाज की स्थिति मनस्थिति एक अलग प्रकार की थी। आज आप जिला पंचायत के चुनाव में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यही पद्धति है, उसमें क्या होता है आपके ध्यान में है। तो उस समय जो कई बात थी उसका वो बहुत महत्वपूर्ण थी, आज भी वो समीचीन हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समाज का मानस पहले उस ढंग का बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग सही प्रतिनिधि चुनेंगे ये भी नहीं है। इसलिए पुरानी पुरानी बातों को जैसे बात आई ना कि भाई स्वदेशानुकूल बनाना, स्वदेशी चीज को युवा अनुकूल बनाना, इसकी थोड़ी आवश्यकता होगी। फिर भी आपका सुझाव तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है और आज इसको सरकार नहीं चुनाव आयोग को करना है, तो आप जैसे लोगों को भी लिखना चाहिए क्या विचार होगा देखते हैं। ज्ञान जी नमस्कार। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, भूपेश तिवारी, क्या मैं एक सवाल रख सकता हूँ अपना यहाँ पे? हाँ जी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे सारे जो विशेषज्ञ लोग हैं अग्रणी है वाले लोग हैं, मैं उनको सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात रखता हूँ। हमारे देश में एजम्पशंस है कि देश भर में लगभग 3 करोड़ कारीगर अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि कृषि के बाद शायद ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन करने की सबसे ज्यादा क्षमता क्राफ्ट सेक्टर के लोगों में कारीगरी में है। लेकिन आज की तारीख में भी आजादी के 75 साल बाद इस सेक्टर के लिए किसी तरह की कोई नीति नहीं है, और नहीं हमको किसी को भी ये पता है, सरकारों के पास भी ये डाटा नहीं है कि पूरे देश में सभी राज्यों को मिला के कितने नंबर ऑफ आर्टिजन्स रहते हैं और जो अपना जो भी अपना उनके हुनर के आधार पर काम करके अपनी आजीविका और अपने आसपास के कुछ लोगों की आजीविका का संचालन करते हैं। तो जब सरकार के पास संख्या ही नहीं है और उस तरह के समाज के कारीगरी से जुड़े हुए समाज के लोगों के विकास के कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, मैं 3 दशकों से यहाँ बस्तर में कारीगरों के साथ काम कर रहा हूँ, जब तक इस सेक्टर के लोगों को नीतिगत समर्थन प्राप्त नहीं होगा, इनके लिए कोई ठोस सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक हम इन्हीं सारे विषयों पर इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे। तो ये क्योंकि ये सही मंच है, इसमें बहुत इन पॉलिसी को सरकार के लोगों को प्रशासनिक लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोग बैठे हुए हमारे आगे की पंक्ति के, तो मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को आर्टिजन्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी बने जिसके लिए प्रयास करने चाहिए, तभी ये सेक्टर बचेगा, अदरवाइज धीरे धीरे डिमोलिश हो रहा है, खत्म हो रहा है।
अच्छा सुझाव दिया भगवान जी, धन्यवाद जी। मैं भूपेश तिवारी हूँ साहब, रामलाल जी छत्तीसगढ़ से। अच्छा भूपेश, ठीक है। बस्तर में पिछले 30 दशकों से काम कर रहा हूँ। प्रश्न नहीं है, ये तो सुझाव ही आपका अच्छा सुझाव है, मैंने बस्तर का उल्लेख भी किया अभी जी। थैंक यू भाई साहब, नमस्कार। एक बार नितिन गडकरी जी बस्तर के दौरे में गए तो उनको वहाँ एक शॉल भेंट की गई जी, और वो गृहस्थी वाले आदमी है तो किसी ने कहा कि भाई घर के लिए भी कीजिए, तो साड़ी भेंट की। उन्होंने मुंबई में उस साड़ी का प्रमोशन किया जी जी जी, और उसके कारण एक काफी प्रोत्साहन मिल गया जी जी। यहाँ काफी बुनकर भी है बड़ी तादाद में, हमारे बस्तर संभाग में हजारों परिवार है जो अपनी आजीविका अलग अलग तरह की क्राफ्ट से करते हैं। और जैसे ही जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इसमें बम्बू पर भी बहुत काम हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट को तो बम्बू सेक्टर घोषित किया ही है। थोड़ा भूपेश जी, हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इन चीजों के लिए, लिखते पढ़ते रहना पड़ेगा बिना धैर्य खोए। हो जाएंगे लगे हुए हैं साहब, हमारा संगठन भी लगा हुआ है, हमारे संगठन के काफी सारे साथी आज इस वेबिनार में हैं, तो अपने अपने स्तर में लगे हुए। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार जी, मैं भाई साहब नमस्कार, मैं राजस्थान से जबर सिंह बोल रहा था जी। भाई साहब प्रणाम। बोलिए बोलिए जी। ऐसा है कि राजस्थान में एक परंपरा थी पहले कि मेले लगते थे, उसमें जो गांवों में जो पैदा होते थे गांवों की आवश्यक की चीजें वहां पे मेलों के अंदर उनका प्रचार। आज मेलाओं की पद्धति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्या वही मेले साप्ताहिक या वापस खड़े हो सकते हैं जो ग्राम स्वावलंबन के भी? क्यों नहीं हो सकते, ये तो थोड़ा हम सब लोग पहल करें। देखो हर चीज में सरकारों पर एकदम निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम यहाँ गांधी जी ने, विनोबा जी ने, नाना जी ने, सबने इस बात की चर्चा की, दीनदयाल जी ने, अब नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में एक विकल्प खड़ा किया। वो सरकारों से बाद में उन्होंने सहायता ली, प्रारंभ में सरकारों से कोई सहायता नहीं। अपने कुछ अच्छे जो उद्योग जगत के मित्र थे उनसे चर्चा की, बाकी स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाए, तो हम छोटी छोटी चीजें शुरू कर सकते हैं। दूसरा मेरा आप सबसे आग्रह है कि पुरानी चीज वैसी की वैसी आज लागू हो, कई बार ये हो सकता है संभव ना हो। तो आज की परिस्थिति में नई पीढ़ी की मानसिकता समझ करके उसमें क्या परिवर्तन करके हम शुरू करें, ये भी थोड़ा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। गांवों में प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं जी। मेले का स्वरूप ऐसा हो जिसको नई पीढ़ी भी उसमें आकर्षित हो, तो ये आज की इस गोष्ठी में एकदम चर्चा नहीं हो सकती। थोड़ा सुझाव अच्छा है आपका, सोचना चाहिए इस दिशा में, थोड़ा नयापन भी उसमें आए, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए, मेरी ओर से सुझाव है। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है, चिंता मत करिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैं विश्वनाथन आचार्य बोल रहा हूँ, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक रहा मैं, मेरी 18-20 साल से मैं कारीगरों के लिए काम कर रहा हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में भिलाई में हूँ। कारीगर के बारे में जब अपन जो चिंता करते हैं तो हमारे लिए मतलब, तो जो मैं भूपेश तिवारी जी का मैं समर्थन करता हूँ, यहाँ पर आज तक कोई कारीगर नीति नहीं बनी है। कारीगर नीति के लिए आपको भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी कार्यालय में कारीगर पॉलिसी के ऊपर में, आर्टिसन पॉलिसी के ऊपर में हमने 2014 में हमने सेमिनार किया, तो आप उद्घाटन भी करने के लिए आया था, आपने बहुत तो जरूरत बोला थी कि कारीगर की पॉलिसी बनना चाहिए, और आपने हक के लिए आपने ये संदेश थे कि अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, हमसे भी क्यों ना हो, ये शब्द मेरे पास में वीडियो के रूप में मेरे पास में आज भी समर्थित है। इस बात को लेकर मैं आपको नमन करता हूँ, आपने कम से कम हम लोगों को मनोबल ऊंचा उठाया। ये 6 साल तो आज वो तो आज भी उठा रहे, देखिए जी आज भी मैं ही उठा रहा हूँ, क्योंकि हमको 6-7 साल के बाद में भी यही बात को उठाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय आप सबके मनोबल को हम तो आज भी उठा रहे हैं, कारीगरों की मीटिंग करिए जी। कारीगर नीति नहीं है, कारीगर विकास बोर्ड नहीं है, कारीगर आयोग नहीं है, इस देश में इस कारीगर का क्या स्थिति है, ये कहाँ खड़ा है, कितने लोग हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने को अभी हम लोग को संरक्षण देना चाहते हैं, ये सारे चीज का हम लोगों को। ठीक है विश्वनाथ जी,
देखिए क्या है, एक एक क्रम से आगे बढ़ना पड़ेगा आप सबके प्रयास से। जैसे संगठन में कारीगर इस विषय की चर्चा हो गई, कारीगर प्रकोष्ठ बन गया, ठीक है ना। आप क्योंकि रहे बीजेपी में, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ, अन्यथा ये राजनीतिक मंच नहीं है जी। और आपने जितने विषय उठाए उसका परिणाम ये हुआ कि कई प्रांतों में हमारे प्रजापति समाज के कार्यकर्ताओं ने विषय उठाए तो उनके लिए बोर्ड बन गए, आपने देखा जी। तो ऐसे क्या है कि इन विषयों को हमें उठाते रहना पड़ेगा, उसमें धैर्य खोने की जरूरत नहीं है जी। और केवल मौखिक नहीं, कोई ऐसी गोष्ठी उसमें उठाना, आप थोड़ा लिखत पढ़त करते रहिए। सरकार में कागज का बड़ा महत्व होता है, जो वो फाइल में लगता है जी। ठीक है, आपका माध्यम से मैं एक चीज और दिलाना, याद दिलाना चाह रहा हूँ। कार्यक्रम मंत्रालय का रिकमेंडेशन योजना आयोग ने 2005 में किए थे, आपको भी याद होगा, एर्नाकुलम में आप थे, मेरे से मतलब तो मैंने ये बुद्धि को उठाने के लिए आपसे पूछ लिया था। आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, नहीं हो रहा, यही बात सबसे बड़ी समस्या है। साहब आपको प्रणाम। मैंने तो विश्वास जी आपसे कहा ना कि जरूरत पड़े तो हमसे भी लड़ते रहो आप, कई साल से लड़े ही नहीं हो हमसे। जी जी चल जी, थैंक यू। हो गया। इसके अतिरिक्त मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो या आप और भी कोई विषय रखना चाहते हैं तो मैंने चैट बॉक्स में गांधी स्मृति दर्शन समिति का ईमेल आईडी डाल दिया है, आप उस पर अपने विचार ईमेल करें और सारे विचार हम समेकित करके माननीय श्री रामलाल जी को भेज देंगे। अरे मुझे ही मत भेजिए, लक्ष्मीदास जी और विभाजी को भी भेजिए। जी 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 ज्ञान जी, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। जी जी ज्ञान जी, आप ऐसे स्थान पर बैठे हो कि वह सभी आते हैं लोग जी। इसे आप हमको भेजकर अपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। देखो ज्ञान जी, करनी पड़ेगी उसे। ज्ञान जी, मैं प्रशांत बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। सबको मेरा सादर प्रणाम। आज एक अद्भुत संयोग है कि गांधी जी जहाँ वसीयत लिखे और उस बलिदान भूमि के कस्टोडियन गांधी स्मृति के बोर्ड मेंबर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और गांधी जी कारीगरों के लिए जो संग्रहालय बनाए वहाँ से विभाजी और हमारी कारीगर पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं, और आदरणीय लक्ष्मी भाई जी जो युवा अवस्था में ही खादी कमीशन की जिम्मेदारी लिए, तो इस तरह का आज है। और उस वसीयत में 5 संघ की जो चर्चा है, तो हरिजन सेवक संघ के भी आदरणीय लक्ष्मीदास जी उसके उपाध्यक्ष हैं, और परम आदरणीय रामलाल भाई साहब जो सबको संयोजित करने का आज अवसर हमको दिए हैं और साफ कह रहे हैं कि हमसे भी लड़ो। इसलिए मैं अभिभूत इस मामले में हूँ कि जो वसीयत में गांधी जी 5 संघ मजबूत करने की बात कहे थे, उस मजबूती पर इस 150वीं जयंती अभी उनकी हम मना रहे हैं, तो उस पर जरा एक बार और सोच लें और निश्चित रूप से आज इतना तो तय करें कि एक भाई जी के माध्यम से और सही हम सब लगें कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय कारीगरों का कैसे बने, और 30 मंत्रालयों में जो फुटबॉल की तरह कारीगर मुद्दा जा रहा है तो बुनकर कारीगर का एक मंत्रालय कैसे बने, और जैसे आज किसान की नीति बनी है, अगर कृषि विश्वविद्यालय नहीं होता तो हम आज अन्न के मामले में शायद समृद्ध नहीं होते। उस तरह से जब तक पॉलिसी सपोर्ट या कोई उसका कस्टोडियन नहीं होगा तो नई बात बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से जो अभी माननीय रामलाल जी कहे कि ज्ञान जी आप भाग नहीं सकते हैं, तो इस संस्था के जहाँ राष्ट्रपिता की बलिदान भूमि है और संस्था के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात है, तो मैं ये 3-4 मुद्दे जो विभाजी उठाए आदरणीय लक्ष्मी भाई और माननीय रामलाल जी ने जिस तरह से रखा है, मैं बार बार ये निवेदन करूंगा कि चाहे वो कारीगर पंचायत का फोरम हो, बुनकर कारीगर प्रकोष्ठ हो, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग महासंघ का मंच हो, या विभिन्न फोरम पर, या गांधी स्मृति और दर्शन समिति का, सब जगह ये बात होती रही है, सभी जगह ये बात होती रही है। बसनी, अभी देखिए गांधी जी की 150वीं जयंती चल रही है, ये एक अच्छा अवसर है। आप 2-3 लोग अभी लॉकडाउन में शायद बैठना संभव नहीं होगा, तो आपस में आप तकनीकी के माध्यम से जुड़कर इसका थोड़ा एक ड्राफ्ट बनाकर एक उचित फोरम से जहाँ उपयुक्त स्थान है वहाँ भेजना चाहिए,
मैं मानता हूं कि माननीय लक्ष्मी भाई हैं, विभाजी हैं, बाकी हमारे सभी साथी इसमें हम सब सुझाव देंगे। और भाई साहब आपके माध्यम, चूंकि आप संदर्भ बहुत पहले से जान रहे हैं और आपके कारण ही प्रकोष्ठ बना था पालक किया। मेरा कहना थोड़ा अलग से बैठ कर इसकी चर्चा करिए, आज की गोष्ठी में उसकी चर्चा तो नहीं हो सकती कारण आगे के रोड मैप की। अब चार पांच लोग बैठ कर थोड़ा इसका रोड मैप बनाकर थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। जी जी ठीक है भाई, सबको प्रणाम। तो ठीक है, मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, समाप्ति की तरफ बढ़ाते हैं। तो मैं कार्यक्रम के अंत के लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए बसंत जी को ही आमंत्रित करता हूं, क्योंकि बसंत जी का प्रसंग भी आया है रामलाल जी के उद्बोधन में कि आपने ही इसको पूरी तरह से संयोजित किया है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी वक्ताओं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं इतना कहता हूं, देखिए किसान, कारीगर और कामगार, 3K, तो हम किसान की भी चिंता करें, कारीगर की भी चिंता करें और कामगार यानी मजदूर श्रमिक इसकी भी चिंता करें, इन तीनों को मिलाकर के हम देश को जो नई दिशा देने की बात चल रही है, एक नए भारत के निर्माण, इसमें तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या हो सकता है, इस ढंग से इन सब चीजों का विचार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमको इस काम में सफलता प्राप्त मिले हो। और आप सबसे मैं अपनी ओर से इतना ही आग्रह करूंगा, बहुत आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की जरूरत है। हमें चीन को भी चीन से भी वीजा प्राप्त करनी है, पाकिस्तान पर भी वीजा प्राप्त करनी है, कोरोना पर भी वीजा प्राप्त करनी है, आर्थिक जो एक स्थिति निर्माण हो गई है उस पर भी वीजा प्राप्त करनी है। और ये जो आज हमने सारे विषय रखे ये विषय नहीं हो रहे, इन पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। तो बहुत आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र प्रथम अपने जीवन में, स्वदेशी का अर्थ ही है कि राष्ट्र प्रथम, इस भाव भावना के साथ हम सब खड़े होंगे, एक संगठित प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। अब धन्यवाद ज्ञापन बसंत जी शुरू करें। आवाज आ रही है? हेलो। जी सर आ रही है सर। गांधी जी एक पंक्ति बार बार जो मैं पढ़ा उसमें उल्लेख मिला है कि अगर मैं कवि होता तो उंगलियों की संभावनाओं पर कविता लिखता। आज यहाँ जो हमारे सभी माननीय उपस्थित हैं, आज हम सबको मिलके उस उंगलियों से कविता लिखने के लिए माहौल बनाने का एक अवसर मिला है, यह मैं मानता हूँ। माननीय रामलाल जी ने जब मुझे कहा कि बसंत जी आप कुछ साथियों को इकट्ठा कीजिए और ऐसा समय है कि हम सब ऐसे तो मिलके बात नहीं कर सकते हैं, अभी सब अपनी अपनी जगह ही, लेकिन वेबिनार हो सकता है क्या, तो मुझे लगा कि किस संस्थाओं के माध्यम से पहले मैं करूं। तो आदरणीय ज्ञान जी से बात किया, वो तैयार हुए, और फिर मुझे लगा कि इसमें मैं और किन को जोड़ सकता हूँ। तो आदरणीय विभा बहन को कहा कि वह संग्रहालय ही गांधी जी कारीगरों के लिए बनाए थे और आप कारीगर पंचायत की हमारी अध्यक्ष पूरे संदर्भ को जानने वाली रही हैं, इसलिए आप कृपया समय निकालिए। उन्होंने तुरंत कहा ठीक है बसंत भाई, मैं बिल्कुल उसमें रहूंगी। और आज मैं उनको आभार क्या दे सकता हूँ, क्योंकि हम सब मिल के स्वप्न देख रहे हैं, उसमें हम मानते हैं कि आज का क्षण उस देखे स्वप्न को आगे बढ़ाने का एक अवसर के रूप में आने वाला है। और उसी तरह से आदरणीय लक्ष्मी भाई जी को जब मैं कहा तो वह भी तुरंत तैयार हुए। और जब भी ऐसी स्थिति होती है, जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, हर ऐसे क्षण में आदरणीय लक्ष्मी भाई हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह। तो मैं उनको भी धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि सबका काम है, अपने अग्रज ने जो स्वप्न देखा है, हम एक अनुज हैं उनके, उस स्वप्न को साकार करने में हम उनके साथ हैं। और परम आदरणीय रामलाल जी हमारे पालक रहे हैं, राष्ट्रीय कारीगर पंचायत के संयोजन के बाद जब मैं बुनकर और कारीगर प्रकोष्ठ का संयोजक बना तो मुझे तो मालूम नहीं था, बना के मुझे सूचित किया गया था, ये विश्वास अगर माननीय भाई साहब को था तब मेरी मुलाकात भी भाई साहब से नहीं हुई थी। और भाई साहब इस तरह से इस मुद्दे को हर क्षण
याद रखते हैं और आगे भी कहें कि हमसे भी लड़ो, तो अभिभावक अगर कहे कि मेरे से भी लड़के आगे बढ़ो, इस बात को मनवाओ, तो ये एक मैं सुअवसर के रूप में देख रहा हूँ। और ये गांधी स्मृति और दर्शन समिति इस तरह का हमको बराबर मंच दे रही है, मैं पूरा गांधी स्मृति और दर्शन परिवार उनको धन्यवाद नहीं उनका आभार मानता हूं कि आज के ऐसे समय में भी सब जहां हैं उस तरह से संयोजन में लगे हैं। हमारे राष्ट्रीय कारीगर पंचायत के साथी चाहे भूपेश तिवारी हों, कारीगर हमारे जो प्रकोष्ठ के विश्वनाथन जी हों, परम आदरणीय नरेंद्र भाई जो हमारे कारीगर पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष ही नहीं रहे हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय योगेश एंगले जी मिशन समृद्धि से और कई को हम देख रहे हैं, ये सब अपना समय दिए हैं। जैसे वल्लभ भाई कथिरिया भी कहे कि आगे एक कार्यक्रम कीजिए जिसमें कारीगरी और गोबर और गोवंश पर क्या हो सकता है इस पर चर्चा करें। माननीय जया जी के पास आज समय नहीं था, वो कहे आगे मैं जुड़ूंगी बसंत जी। तो मैं सबसे जिन जिन से संपर्क कर पाया, जिनको सूचित कर पाया, जो आज यहाँ सुन रहे हैं, उन सब केवल एक दिन की करेंगे कि शब्दम ब्रह्मम है और खुली चुनौती भाई साहब की तरफ से है कि हमको झकझोरो, लिखो, कागज मरता नहीं है। तो हम सब अपने जिंदा दिल से और हम जिंदा हैं अपनी लेखनी से गांधी स्मृति और दर्शन समिति में ऐसे दस्तावेज को, ऐसे सुझाव को प्रेषित करें। और जिस दिन हम अपने आज की चर्चाओं में जो मुद्दे उभरे हैं उसको पूरा कर लेंगे, उस दिन समस्त कारीगर समाज हमारा आभार मानेगा, उस दिन हमको धन्यवाद देगा। आज चूंकि इस आयोजन में छोटी सी भूमिका रही है, आप सब मेरे सूचना पर और सभी संस्थाओं के सहयोग से जुड़े हैं, मैं अपनी तरफ से गांधी स्मृति और दर्शन समिति की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, धन्यवाद। तो ठीक है सभी को नमस्कार, थोड़ा सबका नमस्कार हो जाएगा, थोड़ा सभी को नमस्कार सर।